हेलो सुमन, सुनाई दे रहा है क्या? मैं यहाँ देख रहा हूँ एक 24 साल का लड़का रोप पकड़ते हुए टंगा हुआ है। ये पता चला है कि उसके ऊपर गेमिंग सॉफ्टवेयर को लेके कंप्लेंट है। ऊपर कोई है क्या? ये है या कोई हादसा, इसकी खबर अभी तक नहीं मिली है। की वजह लव एंगल या जॉब में हो रहे इश्यूज, ये जानना जरूरी है। मेरा नाम शौर्या है। जन्मदिन 29 दिसंबर 1992, मरण दिन आज। इन दो दिनों के बीच मेरी छोटी सी कहानी है, मेरी लाइफ, अ स्मॉल ब्यूटीफुल लाइफ। गेम ओवर कहते हैं, मरने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आंखों के सामने नजर आती है। क्या हो रहा है? ये पार्टी मेरा है और सारा मजा वो ले रहा है। अबे पार्टी तो तेरी ही है यार, लेकिन मैं तेरे लिए जो सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ ना, उसकी वजह से सब एक्साइटेड हैं। तू तैयार है ना? गिफ्ट लाया मेरे लिए? अबे, 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 अबे। ये गिफ्ट है? हाँ? कल से यही तेरा ताजमहल, यही तेरा व्हाइट हाउस, यही तेरा परमानेंट हाउस। नाम के लिए तेरा एक घर है, लेकिन वो तेरा नहीं है। टीवी तेरा होगा, लेकिन चैनल्स तेरे नहीं होंगे। ना वार्डरोब तेरा होगा, ना बेडरूम तेरा होगा। तेरी पूरी लाइफ ही तेरी नहीं होगी। तेरे लिए खुश होने की, अपने नसीब को कोसने की सिर्फ एक ही जगह होगी। ये तेरा सिंहासन है। चल बैठ जा। बैठिए महाराज। हेलो, मेरा लव मैरिज है। ये सब नहीं होगा। लव जैसे वर्ड के आगे तूने मैरिज जैसा वर्ड जोड़ दिया ना, उसी दिन से तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। गेमिंग की भाषा में समझाऊं तो आज के बाद तेरी जिंदगी टेम्पल रन गेम जैसी हो गई है। तू कितना भी भाग ले मरेगा। तू एंग्री बर्ड से कैसे बचेगा ऊपर वाला ही जानता है। बेसिकली ब्रो, तेरा भेजा तो फटने ही वाला है। बिल्कुल देखा तूने शौर्य, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई क्योंकि everyone wants the latest, hottest, cutest। तू कहना क्या चाहता है? Baby, where the hell are you? I've been waiting for you from 8:30. You told me you would come here half an hour. You know how much traffic is there on the road. We're never going to make it for the movie on time. I'm never going to make another movie program with you. I hate you. I hate you. I hate you. छोकरी ने इसकी पूरी वाट लगा डाली। बर्बाद है बेचारा। वैसे ही वो फ्लाईओवर वाली गलती को लेकर कब से रो रहा है भाई। अभी और कंफ्यूज हो गया होगा। फ्रेंडशिप में इतनी हेल्प तो करनी चाहिए ना। उस दिन मेरे पैर पड़ रहा था, इस बार मेरे फोटो की वॉलपेपर बना के पूजा करेगा। अबे ओए, 7th क्लास में ज्योति को, 10th क्लास में स्वाति को मैं पसंद करता था, इसलिए तूने पटाया। इस बार 3 साल के लिए मैंने होशियारी से डेट की सौम्या के साथ। मैंने उसे ईमानदारी से पटाया, उससे सच्चा प्यार किया और अभी उससे शादी भी करने जा रहा हूँ। और तू क्या कर रहा है? यहाँ पे भी हम दोनों के बीच में आकर अपनी टांग लड़ा रहा है। तू देखता रहे, मेरे ही सामने शादी करके तू बर्बाद हो जाएगा। ना घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा। इधर उधर भटकेगा, पागलों की तरह जीना पड़ेगा तुझे। मेरा इस अभय का श्राप है तुझे, श्राप है तुझे। तेरा श्राप और तेरा प्यार। खुद को एक रेड अंडरवेयर पहना हुआ सुपरमैन समझता है तू। 2 महीने में $1 मिलियन US प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। एक बार न्यूयॉर्क में पैर रखा ना, मुड़ के पीछे नहीं देखूंगा। उसके बाद मुझे पकड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। भाग मिल्का भाग। उसके जैसा ये भाग क्यों रहे? क्या खतरनाक धो रही थी वो। IPL में बॉलर्स की धुलाई करते हैं, वैसे उसे धो रही थी। वीडियो गेम्स और फिल्म्स में फाइट देखना एक तरफ है, असली लाइफ में लड़की को किसी को मारते हुए देखकर मेरा तो बीपी बढ़ गया था। अच्छा अबे, मुझे एक डाउट है, सौम्या का ऐसा कोई एक्शन वाला एंगल नहीं है, ये टेस्ट कर लेना चाहिए। क्या खतरनाक धोरी थी वो, वॉचमैन की तो वाट लग गई। क्या खतरनाक धोरी थी वो। शौर्या ये लो भैया। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? तूने जो बोला वो करेक्शन किया था। अरे पहले बता तो सही प्रॉब्लम क्या है, बोलना यार। वेट शौर्या, ये डेमो कब है? अरे ये स्पाइडरमैन कौन है? हमारे रोडराम गेम को टेस्ट करके फिक्स करने वाला गेमिंग एक्सपर्ट, मेरा छोटा भाई कार्तिक। हाय कार्तिक। जो हेलो बोलता है उसे गले लगा लेता है। 4 दिन छुट्टी थी तो मुझसे मिलने आया, आज वापस जा रहा है। चल कार्तिक बैग ले ले, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय। लेट्स गो स्पाइडरमैन। क्या देख रहे हो, शॉक हो गए? उसे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ डाउन सिंड्रोम है। ये कंडीशन बाय बर्थ, उसमें हमसे कुछ अलग क्रोमोसोम्स है, इसीलिए तो हमसे इतना स्मार्ट भी है, समझ गए? जब उसने तुम्हें गले लगाया तब तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? हाँ यार कुछ तो फील हुआ। अच्छा तेरा फोन कहाँ है? क्या ले गया वो? अब तेरा पासवर्ड हैक करके तेरे सारे मैसेजेस पढ़ लेगा। जा फोन ले ले, जा जा। हेलो। हाँ डैडी। व्हाट? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? मैं रामू बोल रहा हूँ वैशाख से। वो मेरी दादी जो बिल्कुल हट्टी कट्टी थी, सीरियस हो गई है ना? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला इस बार जरूर टकेगी। हाँ 2-3 घंटे का टाइम है, सबको जल्दी आने बोला है। हेलो हेलो। 5 साल की थी जब मेरी माँ गुजर गई। मेरी नानी ने कितने प्यार से मुझे और मेरे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया। अभी ऐसे इंसान को तुलसी जल पिलाने का बुरा वक्त आ गया है। अभी कौन लेके आएगा तुलसी जल? बेटा शौर्या, तेरा भाई कहाँ है? अभी लक्ष्मी आंटी के घर गया। माँ श्याम जी आज ही अमेरिका से आएंगे क्या? मैंने तो फोन करके बोला है, लेकिन ऐसा बोलने के साथ ही कैसा आएगा जल्दी? अंतिम संस्कार में आएगा, पर मेरे को तो ये एक्सक्यूज लगता है लास्ट मिनट में। अरे फ्लाइट का रेट भी तो महंगा हो जाता है ना, डिस्काउंट के बिना तो वो कुछ भी नहीं करते, सबको मालूम है, तुमको भी मालूम है ना। कौन कौन आएगा ये पता चल जाए तो प्लान कर सकते है ना कि नानी को आज ही ले जाना है या 2 दिन बाद? नहीं नहीं नहीं, आज ही लेके जाना है। अरे वो पास में इलेक्ट्रिक क्रिमेशन है ना, बस वही लेके जाते हैं और देखना है 1 सेकंड में खेल खत्म। सुनो ना, बाजार से जब भी कैरी लाती वो किसी और से साफ नहीं करवाती, वो खुद उसे साफ करके फिर मसाला लगाकर ऐसे 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 करती थी और फिर सुखाती थी। पूरे रास्ते में इतनी खुशबू फैलती, मैं कहती मुझे सिखा मुझे सिखा, लेकिन नहीं। मैंने इतनी मिन्नत की उससे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं ही बेकार थी, ऐसा अचार नहीं बना सकती जिसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैले। उसने मुझे अचार क्यों नहीं सिखाया? अब मैं क्या करूंगी, पराठे के साथ क्या खाऊंगी? अरे सुन रे सत्यम, बाहर कैंटीन में समोसा टेस्टी है, मसालेदार होता है और उसमें काजू भी। मुझे वहाँ पर बुला, समोसा वहीं खाऊंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये लोग सब जलेंगे हमसे। चल चल जल्दी। कैसी बातें कर रही हो? नमस्कार नमस्कार। आपने बोला था ना उनके पास सिर्फ 2-3 घंटे बचे हैं और अभी टाइम 10:30 बजने वाला है, मतलब 12:30 से 1 बजे के बीच में दादी कल्टी मार जाएगी ना, जस्ट पूछ रहा हूँ। आपका डाउट क्या है? नहीं नहीं नहीं, आपने बोला ना कि वो गारंटी जाएगी, तो मेरे को डाउट नहीं है, पर पता है ना जल्दी सल्टाने के लिए इलेक्ट्रिक क्रिमेशन करना है और विशाखापट्टनम में हर 2 घंटे में पावर कट होता रहता है। अगर वो जल्दी कल्टी, जस्ट पूछ रहा हूँ। मार दो क्या उसे? ची 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 ची, ऐसा कुछ करने नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला तो डेफिनेटली जाएगी। रहने दीजिए, मैं ही कुछ कर लेता हूँ। हाँ भाई साहब, अभी उनके ऊपर जाने का टिकट नहीं कटा है। 3, 2, 1 एक्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया। दादी माँ मेरा समोसा रह गया। 100% कन्फर्म है उनका जाने का। नहीं नहीं, डॉक्टर सब अच्छे हैं, वो पक्का जाएगी। अभी देखो इधर से सब लोग भाग रहे हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ना, फ्लाइट पकड़ के। एक्सक्यूज मी, वो खतरे से बाहर है। क्या खतरे से बाहर है? ये कैसा खतरा दिया मेरे को? इस महीना में 3री बार है, उस बुड्ढी को लेकर जाके बेड पे डालते रहते हो। मैं पागलों की तरह सबको फोन करता रहता हूँ, कोई फ्लाइट में तो कोई ट्रेन में आता है। जब सब आ जाते हैं तो वो बुढ़ी उठ के बैठ जाती है। ये चल क्या रहा है, परेशान कर दिया, टॉर्चर कर रहे हो मुझे। दादी माँ दादी माँ, ए अचार की रेसिपी बताना, आप ठीक तो हो ना? और मेरी कटरीना, क्या है ये? हाउ आर यू फीलिंग? सबको पागल करके रखा है तुमने। तुम्हारा नाम लक्ष्मीबाई से बदलकर सीधा जैकलिन फर्नांडिस रख देते हैं। इस उम्र में सबको इतना पागल किया है, जवानी में तो सबके होश उड़ा देती होगी। सबको उंगलियों पर नचाने में मजा आता है ना तुम्हें? मेरी प्यारी दादी माँ। अच्छा तुम फेसबुक पे हो? नहीं, अपडेट हो जाओ यार। पहले लड़की को हाय बोलने के लिए 3 महीने लग जाते थे, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो तो वही हाय बोल देती है। मैं तो पुराने फ्रेंड से भी मिल रहा हूँ और कई अनजान लोगों को भी फ्रेंड बनाया है, मालूम है? अच्छा हाँ, यहाँ पे। ओए, बाद में कॉल करता हूँ। FB पे क्या कर रहे हैं आप? तुमने ही तो कहा था कि फ्रेंड से टच में रहूं। अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहिए, मेरे नहीं। मैं उनको भी तो जानता ही हूँ ना। जानते हैं तो FB पे फ्रेंड रिक्वेस्ट और हाय भेजेंगे। दीप्ति के फोटोज क्यों पोस्ट किए थे आपने? मैंने पोस्ट नहीं किए थे, उसने मुझे टैग किया था। अब वो सारे फोटो स्वीटी ने देख लिए। अरे हाँ, स्वीटी क्यों नहीं है फोटोज में? स्वीटी और दीप्ति जानी दुश्मन है। तुम दोनों के फ्रेंड हो ना, पैचअप करवा दो। फ्रेंड्स को झगड़ना नहीं चाहिए, उनके झगड़े की वजह मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों के साथ चैटिंग मत कीजिए। अरे ये क्या होगा? लगता है तुम्हारी माँ बड़े अच्छे मूड में आज। सर किचन में कर्फ्यू लगा है, वहाँ मत जाओ, अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। लोगों को गुस्से में डांटते और मारते तो देखा होगा। मैडम तो गुस्से में खाना बनाती है, सुबह से करी चिकन बनाते बनाते हमको पका दिया है। शुक्र है बना के सब भूल जाती है, मुसीबत ये कि वो सब खाना पड़ता है। इसके रिवेंज के स्टाइल का आशिक हूँ मैं। दादी ने मुझे कितने प्यार से पाला है, हॉस्पिटल में उन्हें देख कर मैं कितना डर गयी थी, मेरी तो जान ही निकल गयी थी। अभी वो जिंदा है ना, तो क्यों रो रही है? वो तो अच्छा है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर अगर कुछ हो जाता तो। उनकी आखिरी इच्छा थी ना, वो शौर्य की शादी देखना चाहती है। मैं बोल के थक गई, पर इस घर में मेरी कोई सुनता कहाँ है। हर किसी को अपनी मनमानी करनी है। अभी शौर्य की उम्र ही क्या है, वो मेरे बड़े बेटे की उम्र का है। तू चुप रह, उस उम्र में मैंने उसे जन्म दिया था। अभी तो वक्त बदल गया है। कुछ नहीं बदला है, सब मेरा फूटा नसीब है। इतना सब कुछ हो गया, मेरे पति ने क्या बोला पता है? कुछ भी नहीं बोला, एक बार भी शादी करने के लिए नहीं बोला। रिटायर होने के बाद खुद एक बच्चे की तरह हो गया है। अभी तेरे पति की उम्र ही कहाँ हुई है? क्या? उठ तू, तेरा कोई घर संसार नहीं है क्या? 24 घंटे मेरे घर में पड़ी रहती है, चल यहाँ से। जल रही है मुझे लेकर। ए रुक, बोला तो चली जाएगी। रुक, हाथ सटक गई है इसकी, बैठ जा। देखिए डैड, आप रोमांस जारी रखिए, मुझे शादी में क्यों फंसा रहे हैं? ये शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी। खा लो बेटा। डूड हाय, नागमणि दीदी मैं आ गई। हाय, वाह, आजा अंदर आजा, तेरे बारे में ही सोच रही थी। यू टॉट एंड आई केम, आई एम लाइक दिस ओनली। हू दिस लेडी दीदी? माई फ्रेंड लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत ब्यूटीफुल हो। शो टू हॉट, उसके ऊपर ये विग और ये सारा ताम झाम। मैम, नागमणि मेरी स्पेशल फ्रेंड है, उसके सामने फ्री होके बात कर सकते हैं। तुझे मेरा कॉर्पोरेशन लुक कैसा लगा? दिस मैडम इज करता धरता। कॉर्पोरेट लुक मैम? टेलिंग सेम। मैं हमेशा रॉयल फैमिलीज के साथ डीलिंग्स करती हूँ ना। हाँ। ऐसा ही देखना पड़ता है उनके सामने, रॉयल फैमिलीज मैम। ओ माय मम्मी, और नहीं सह सकती मैं ये सब। मुझे यंग्लिश सिखाने के लिए इसको फॉरेन से बुलवाया। यंग्लिश आई डोंट लर्न फ्रॉम हर, लेकिन इसने तो हमारी भाषा सीख ली और यही लाइफ टाइम पे सेटल हो गई है। अब मेरे बेटे के लिए भी किसी को ढूंढो ना मक्का। हाउ टॉकिंग लाइक दिस दीदी, ये iPad 2s है। इन दिस ऑल एवरेज मिडिल क्लास बॉयज फोटोज। दिस इज iPad 3s, इसमें सारा क्लास हाइज फोटो, पॉश टू पॉश लड़कों का फोटोज इसके अंदर है। ये है यैप पिलो। ये एप्पल मामूली नहीं है, इसको चूहे ने काट लिया है देखो, और इसके लिए इतना कॉस्टली है ये। तुम्हारे बेटे का स्किन टोन, हाइट, वेट सब डाल के बस एक बटन दबा दो, उसके बाद अपने आप फेयरिंग्स कर देता है ये। चुप चुप, आई नोज। अब देखो तमाशा, ये लड़की को देखो दीदी, ब्यूटीफुल है ना? हाँ ठीक ठाक है, कोई भी लड़की अच्छी नहीं है। अरे दीदी अभी के लिए बेटर, उसका स्किन का फिल्टर तब जाके चेंज हुआ जब उसने फेयर एंड लवली खरीद के 10-10 किलो लगाना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद देखोगी ना तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन ही लगने लगेगी ये। ये क्या मक्का, कोई भी लड़की अच्छी नहीं है। बिकम नो सैड दीदी, 1 हफ्ते के अंदर एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने लाके तुम्हारे बेटे के साथ शादी फिक्स नहीं करा दी तो मैं अपना नाम iPad अमक्का से बदल के कोपो अम्मा रख दूंगी। एंड दिस आई से ईटिंग हर हेड प्रॉमिस। बड़ी जल्दी में तुम्हारी माँ। मैं एक बार इंडिया के बाहर गया तो वापस नहीं आने वाला हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने बुलाया? बिल्कुल नहीं आऊंगा। बस हो गया। लड़की के पिता का नाम है मिस्टर उमा महेश्वर राव। टैलेंट टीम में बिग पोस्ट पे हैं वो। पावर प्लांट, जमीन, जायदाद, खेत, बाप रे बाप कितना कुछ है उनके पास। और तो और पॉलिटिक्स में भी उनका नाम बहुत चलता है। आपको क्या लगता है यूथ फ्रीडम जाना गलत है क्या? आप ही बताइए, इसे फ्रीडम कहते हैं? लड़के लड़कियां रात भर घूमते रहते हैं, और पता नहीं कैसे कैसी हरकतें करते रहते हैं। हमारे मूल्यों का क्या, लड़कियों को आजादी देकर हमारे संस्कारों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन आपने तो अपनी बेटी को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा है। वो उमा महेश्वर की बेटी है, मैं यहाँ बैठा हूँ पर वो वहाँ क्या कर रही है मैं बोल सकता हूँ। पढ़ाई से नॉलेज तो बढ़ती है पर संस्कार मात्र से मन और बुद्धि का विकास होता है। उसकी मदर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, नाम है प्रमीला, प्रमीला देवी। और जानती हो दीदी वो तो रजवाड़ों के खानदान से है, पर कितनी सिंपल्स है वो। कॉटन साड़ी पहन के माता लक्ष्मी के जैसी सुशील लगती है। वो सब छोड़ो, लड़की के बारे में बताओ ना। बहुत ब्यूटीफुल लड़की है दीदी, एकदम डिम्पल के जैसी। लड़की इज लर्निंग मेडिसिन हैदराबाद में ही। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है वो, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब डेड बॉडी देखने जा रहा है। उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने की अदा, आप हो जाओगे उस पर फिदा फिदा। उस पर से नजर हटेगी ही नहीं आपकी, एंजेलिना लगती है एकदम। एंजल मैम, एंजेलिना इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस। तो उससे भी ब्यूटीफुल निकलेगी, गारंटी यू आई। अरे सुनिए भाई साहब, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आस्किंग। अपने हेलूर में सेंट एंड कॉलेज में पढ़ाते थे ना, 1992 बैच। हाँ जी। यस यस। जूस लीजिए। आपकी बेटी मेडिसिन पढ़ रही है ना, पढ़ाई के बाद क्या क्या प्लान किया है उसने? इंटरस्टेट फर्स्ट आई है वो, हमने उसे आगे पढ़ाया क्योंकि हमें उसे घर नहीं बिठाना था। शादी तय होते ही पढ़ाई बंद करवा देंगे। लड़कियां घर से बाहर जाएं, कामकाज करें, ये सब मेरे जीजू को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रसन्न वदना सौभाग्यदाम भाग्यदाम हस्ता। लड़की बिल्कुल माँ पे गई है। फोटो से ज्यादा सामने कितनी सुंदर दिखती है ना, देखना। मौन नहीं देखना है मुझे। जरा अपना सर उठाओ बेटा। अभी देखना उसको बेटा, प्लीज देखना। नहीं देखना, मैंने कहा था ना मैं उसे नहीं दूँ। सुन, वही लड़की है क्या? पक्का है? हाँ यार वही लड़की है। पूरी फैमिली ऐसे लग रही थी जैसे शूटिंग शर्टिंग और साड़ी की ऐड हो। इनका कोई खूनी जमींदारी टाइप का बैकग्राउंड हुआ तो। ए, खूनी बैकग्राउंड छोड़, धारावी में माफिया गैंग बहुत फेमस है। मेरी बात सुन, वहाँ से 1, 2 का 4 हो जा। मुझे ना डाउट हो रहा है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। किडनैप सीन देखने के बाद तो उस पर फिदा हो गया है, इसलिए हर लड़की उसकी तरह ही लगती है तुझे। लॉल। ओके, आपको मुझसे कुछ पूछना होगा तो मैसेज कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। उस दिन, दैट डे, उधर। कौन सा दिन, कहाँ? उस दिन पब के बाहर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा और उसे जीप में डाल के ले गई थी ना। व्हाट पब? क्या मतलब, कौन सा जीप? वो भाग मिल्खा भाग की तरह भाग रहा था, आप उसे चेस कर रही थी, फिर जीप, किडनैप, आपको याद आया? व्हाट नॉनसेंस, पता नहीं आपने किसको देखा था। आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर कम किलर ज्यादा लगती है। रहने दीजिए, मैं आपके डैड से पूछता हूँ। रुको प्लीज, मैं हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। ओके ओके, वो ठीक हो जाएगा। उसे इंजेक्शन दिया, स्टॉक खत्म हो गया डॉक्टर। 2 दिन पहले स्टॉक आया था और अभी खत्म हो गया। मतलब हॉस्पिटल के बाहर दुकान है, वहाँ से खरीदने के लिए। उनके पास पैसे होते तो व्हाई वुड दे कम हियर सर, दे वुड गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। बाद में पता चला कि हॉस्पिटल के बाहर जो मेडिकल शॉप है वो उसके भाई का है। हॉस्पिटल के 80% मेडिसिन वो वहाँ पर भेज रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि एक चोर को सबक सिखाना है तो उससे ही चोरी कर लो। पर हमारी फूटी किस्मत, वॉचमैन ने हमें देख लिया। कौन है वहाँ? अरे भागो। और उसे पकड़ते वक्त तुमने मुझे देख लिया। उसको मार दिया? जरूरत नहीं पड़ी। एक खंबा और 5000 कैश। उसने अपना मुंह सील कर लिया। क्या बात है, यू आर टू गुड यार। अब जब तुमने इतना कन्फेस कर दिया तो मैं भी अपने दिल की बात कह देता हूँ। मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है। तुम्हारी वजह से नहीं है, बेसिकली मुझे शादी पसंद नहीं है, यही कहना था। मैं जो बोलना चाहती थी वो आपने बोल दिया। मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ, पूरा टेंशन खत्म हो गया। ऐसे मोमेंट पे एक आधा कश मारने का चांस मिल जाता तो आहा। किंग्स चलेगा, लाइट्स भी चलेगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें चाहिए कि नहीं? बहुत डेयरिंग वाली हो। ये घर बहुत पुराना है, मेरे दादाजी ने बनवाया था। दोनों मेड ईच अदर है ना? मैम मेड फॉर ईच अदर। हाँ पता है पता है। इन्हें देख रही हो, ये हमारे नाम के डुएट गा रहे हैं। शादी करवा के उस तरफ ना एक बड़ी सी बालकनी है। कम ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे। जला के दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक फीलिंग ही काफी है। हाँ? ऐसा क्यों? अगर सच में सिगरेट पीऊंगी तो लंग्स ऐसे हो जाएंगे। अरे छी, क्या यार। देखो, या तो फोटोग्राफी करो या फिर मेडिसिन प्रैक्टिस करो, दोनों का कॉकटेल मत बनाओ। मेरी मर्जी। अच्छा बताओ, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? गर्लफ्रेंड है या कोई और सीन है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नानी जल्द मरने वाली है, उनके मरने से पहले मेरी शादी कराना चाहते हैं। कल माँ को डायबिटीज, पापा को बीपी होगा तो बच्चे करने बोल देंगे। आई एम जस्ट ब्लडी 23 नाउ। देखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में। मुझे दुनिया घूमनी है, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों में अपना प्यार बांटना है, $1 मिलियन कंपनी स्टार्ट करनी है। बेसिकली अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपने लिए जीना चाहता हूं। सही है ना? देखो, मैं तो एक सेल्फिश लड़का हूं, लेकिन तुम तो एकदम घरेलू टाइप की सिंपल लड़की लगती हो। तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? यही पसंद नहीं मुझे। मैं क्या करूंगी वो बाकी सब डिसाइड करते हैं। तुमने क्या पढ़ाई की है? बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। मैंने MBBS किया है। स्टेट टॉपर। US में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में MD के लिए एडमिशन मिला था। पैसे देने पर भी वहाँ सीट नहीं मिलती है। मेरे डैडी ने नेशनल इशू बना के इसे टीवी पे अनाउंस कर दिया। मेरी शादी के बाद मैं क्या करूंगी मेरा हस्बैंड डिसाइड करेगा। What the hell? शादी होने तक माँ बाप की सुननी है, शादी के बाद हस्बैंड की सुननी है। मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ ये डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है क्या? इसलिए मैंने डिसाइड किया ये शादी वाला न्यूसेंस 3 महीने के अंदर एस्केप कर लूँ तो मैं US भाग जाऊंगी। माँ को देखने का मन करेगा तो वीडियो कॉल कर लूंगी, पर इंडिया वापस नहीं आऊंगी। सही डिसीजन है। मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव होते ही मैं भी US जाऊंगा, वहीं पे मिलेंगे, टच में रहना। US बाद में, इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करो। पेरेंट्स का क्या करें? बताता हूं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बाय शौर्या। आम तो मीठे बहुत हैं, अचार के लिए तोड़ के लाया क्या? हाँ साहब। इतने मीठे आम का तो आमरस बनाना चाहिए। अरे सिर्फ 15 मिनट के लिए मिले, लेकिन वो लड़की से बात कर रहा था या लड़के से, इतना तो मुझे पता चलेगा ना। 5 लड़कियों के उसे फोन और मैसेजेस आ रहे थे, वो भी मेरे सामने। मुझे कैसा लगेगा माँ? एक थप्पड़ मारनी थी। कहती है आफ्टर मैरिज आई डोंट वांट टू लिव विद योर पेरेंट्स। पता है? चलेगा बेटा, कितने अच्छे से इंग्लिश बोल के घर पूरा घुमा रही थी। घर से निकालेगी, यही कह रही थी वो मुझसे। इंग्लिश में लिव सेपरेटली का मतलब यही है। हाँ। ऐसा बोली क्या? पर तुम दोनों तो शादी के बाद हैदराबाद में सेपरेट ही रहोगे ना? हाँ सही है, लेकिन ऐसा मुझे बोलने वाली वो कौन होती है? ऐसा लड़का इस घर का दामाद बनेगा तो क्या होगा? तुम्हारे पापा दादा की बंदूक लेके गोली मार देंगे उसको। फिर डैडी जेल जाएंगे, तुम सफेद साड़ी में और मैं सफेद कोट पहनकर रो रहे होंगे। फिर हम सब माला लेके आएंगे और शोक मनाएंगे। माँ ये सब सह पाएंगी क्या? मामा बोलिए। सोचिए मैं घर पे नहीं हूँ और आपको मारने के लिए उसने गैस पे खाली कुकर चढ़ाया। तो देखो ना क्या बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो यहाँ दिन रात अच्छी बहू मिले इसके सपने देखती रहती है, लेकिन बहू विलन निकली तो अभी क्या करेंगे हम? तुम्हारी मर्जी, तुम बोलोगी तो हाँ कर दूंगी। बाद में वो लड़कियों के साथ घूमेगा, दम मारेगा, मुझ पर हाथ उठाएगा। तुमसे शिकायत नहीं करूंगी, तुमसे ही तो सीखा है। पति के बारे में किसी को नहीं कहना चाहिए। मैं भी चुप रहूंगी, बर्दाश्त करूंगी। हाँ बेटा, अभी तेरी बातें सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है माँ, लेकिन देवी जैसी माता और भगवान जैसा पिता, इन्हें कोई कुछ कहे तो मैं सह नहीं पाऊंगा, प्राण त्याग कर दूंगा। ये तो क्या बोल रहा है? हम इस रिश्ते को मना कर देते हैं। ओह यस यस। हाँ प्रभा, मैं निकल रही हूँ, की जनीता को दे दे। बाय। और कुछ पैक करना था क्या? बैग में तो बहुत जगह है, तुम भी आओ US। क्यों, तुम आओगी ना वापस? वापस? तुम्हारे पापा के दोस्त है ना ऑस्ट्रेलिया में, सुरेश अंकल। मर गए क्या? चुप कर। उनका बेटा अगले हफ्ते हैदराबाद आ रहा है। व्हाट? ये कोई खेल है क्या माँ? नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम्स हैं। किसी बेवकूफ को चाय कॉफी पिलाने के लिए मेरे पास टाइम है क्या माँ? For God's sake माँ, प्लीज स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस फॉर अ फ्यू मोर डेज। मैं क्या करूँ? तुम्हारे डैडी ने बोला। इनफ माँ, हर बात का एक जवाब, डैडी डैडी डैडी। आप जाकर उनसे कह दो दिव्या अभी शादी नहीं करना चाहती। ऐसे ही फोर्स करते रहे तो कभी नहीं करूँगी। ओहो, मैंने इनफ कहा तो अब बात नहीं करूँगी। ठीक है, मत बोलो। मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं उनकी ही बेटी हूँ। मुझे अपनी मन की बात कहने में डर नहीं लगता। एक बार दिव्या ने कहा नो मतलब नो। यस। अरे मैं तो उनको मुंह पे ही बोलने वाला था। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। चेहरे से जितना भोला लग रहा था ना उतना है नहीं वो। देखो कोई कुछ भी कहे, ये हैदराबाद के लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कितने बजे निकल रही हो? खाना खाकर। तुम ऑस्ट्रेलिया वाले सुरेश अंकल को तो जानती ही होगी ना? हाँ जानती हूँ डैडी। उनका बेटा किरण नेक्स्ट वीक हैदराबाद से आ रहा है। हाँ डैडी ठीक है। तुम एक बार उससे मिल लेना। ओके डैडी। बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा, मैंने देखा है और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ बेटा। ओके डैडी। देखो ना क्या हो गया, मुझे तो लगा ये रिश्ता जम जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो ना दीदी, कसम खाती हूँ अगला रिश्ता ऐसा सेंटिमेंटल होगा कि तुम देखती। कहाँ गई वो? हाँ इसका मुंडन करवा दूंगी। सेंटिमेंटल मैच नहीं मैडम, सेंसेशनल मैच। मुंडन करेंगे तो मेरे चेहरे पे सूट नहीं करेगा। मैं शेव कर दूंगी ठीक है, और मेरी विग तुम पहन लेना। हर बात में अपनी टांग अड़ाने लगती है अंग्रेज की औलाद। ओ दीदी डोंट क्राइज। इंकी पिंकी पोंग की शौर्या इज ए डोंग की। शौर्या ट्राइड बट मम्मी क्राइड। आईपैड आंटी तुम्हारी शादी करवा के रहेगी। एंजॉय द शादी का लड्डू, तुम बनोगे बीवी के टट्टू। एंड नाउ द गेम बिगिंस। कैरेक्टर नंबर 1। हाय आई एम ज्योति। माय फ्रेंड्स कॉल मी जो। मैं शौर्या। एक्चुअली कल ही मैंने आपका नाम पढ़ा था। हाउ द नेम शौर्या? 200 लाइक्स आ गए, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। कैन यू कम दिस साइड? क्यों? सेल्फी लेके एफबी पे पोस्ट करती हूँ। अगर फोटो पे 500 लाइक्स आए तो फिर शादी के बारे में सोच सकते हैं। ये करना जरूरी है क्या? कैरेक्टर नंबर 2। हाय आई एम दिव्या। हाँ मम्मी शुरू करूँ क्या? ठीक है मम्मी, लव यू बाय। मम्मी ने कहा था राहु काले, डेट्स फाइन। Hi, I am Bakuda, son of Bada Bakuda and Mummy. I mean, Meena. हाँ मम्मी, अभी तक सैलरी का नहीं बताया, पहले उसकी सैलरी का पूछूं क्या? ठीक है मम्मी, लव यू बाय। मम्मी ने जय श्री कृष्ण बोला है आपको। ओ, एक बात बतानी थी, मैं साल भर में 24 लाख कमाता हूँ, मतलब महीने का 2 लाख। ओह, ग्रेट। मैं जानता हूँ। ठीक है मम्मी, लव यू बाय। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? आप कितनी मालदार पार्टी है ये बात मम्मी जानना चाहती थी। ओह आई सी। विजयवाड़ा में कृष्ण गराज से लेकर बंदा रोड तक सब हमारा है। मैं इकलौती हूँ, शादी के बाद सब आपका। I mean, बात पक्की। मम्मी से पूछूं? कैरेक्टर नंबर 3। अभी तक मेरे I had 8.5 बॉयफ्रेंड्स। हाफ? हाफ मतलब इंटर्नशिप में एक लड़का था, हिज नेम इज किरण और करण और समथिंग। मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। ओके था, एफबी तक ही हमने रिलेशन स्टॉप कर दिया था। पिक्स तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन नो टचिंग। हाँ। कैरेक्टर नंबर 4। मेरी एज जितनी दिखती है उतनी है नहीं। आई एम 25 ओनली। अब आप जैसा कोई मेरी लाइफ में आया नहीं तो मेरी जवानी में दीवानी आई नहीं। वैसे मैंने VLCC का 2 लाख का पैकेज लिया है, वो बाल से लेकर पेट तक सब अपडेट कर देते हैं। बस 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, फिर ये लोग डाउनलोड हो जाएगा। सच बोलूं तो मैं आप ही का वेट कर रहा था। कमिट होने के लिए कम से कम आपके जैसी लड़की तो मिलनी चाहिए। तो बात पक्का समझू मैं। हाँ, कैरेक्टर नंबर 5। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? फोटो में लंबे बाल थे और यहाँ कट गया है। एक्चुअली एक कमीने ने 2 साल तक मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर दूसरे के साथ भाग गया। वो मेरे बालों पर मरता था, इसीलिए मैंने काट दिया। ये टैटू भी मैंने उसी के लिए बनाया। तब डिसाइड किया जिससे भी मैं शादी करूंगी उसको प्यार से मैं बावा ही बुलाऊंगी। नो प्रॉब्लम डा, तू फिक्स हो गया। ये तेरे वास्ते। ये ड्रिंक्स ला रहे। एक्चुअली लड़कों से मिल मिल के मैं पूरी तरह थक गई थी, पर जब तेरा फोटो देखा तो टेम्प्ट हो गई। मेरा फीलिंग क्या था पता है? वोल्केनो माफिक हॉट। ऐसा ही लगता है। फिक्स हो गई मैं तो। तू मेरे लिए परफेक्ट है। यू आर लकी। अबे कितना टाइम लगाएगा बे? एक से एक नमूने थे यार। लगता है मेरे डैडी सबको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। बोल देना शादी नहीं करना है। मम्मी अब तो गए। क्या है माँ, तुमने मेरे लिए एक और कैरेक्टर ढूंढ लिया क्या? मैं किसी से नहीं मिलूंगी। आप प्लीज। दिव्या, डैडी मंगला टेक्सटाइल्स के ओनर का बेटा है वरुण। एक बार उससे मिल लेना, उनसे मेरी बात हो चुकी है। डिसेंट लोग। ओके डैडी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं डैडी। उसे मिलने में या बात करने में कोई दिक्कत है तो बोल दो, आइडिया ड्रॉप करते हैं, बात स्टॉप कर देते हैं। जो भी प्रपोजल्स आएंगे मैं खुद ही देख लूंगा और लड़के को पसंद कर लूंगा। ठीक है ना? वरुण का नंबर मैंने भेजा है, उसे कॉल करके उसे बात कर लेना। ओके बेटा? ओके डैडी। यार पेरेंट्स से निपटना ना एक कला होती है। उन्हें लगना चाहिए उनकी बात मान रहे, लगना चाहिए। भले तुम बात ना मानो लेकिन लगना चाहिए। लगना चाहिए गेम वो खेल रहे हैं, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ मुझे आता ना, मैं सिखा दूंगा हाउ टू डील विथ योर पेरेंट्स। शौर्या। हाय। हाँ? हाँ? मम्मी, वॉचमैन ने सही टिप दी थी, तू यही मिलेगा। बेटा तू पीना, शर्मा मत। मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? छी छी, ये क्या है? ना नमक है ना कुछ मसाला है। ये होटल का खाना बिल्कुल बकवास है। तुम लोगों के लिए खाना मैं बनाऊं। पार्टी करेंगे, अनियन पकौड़ा बनाऊंगी बियर के साथ, बहुत मजा आएगा। अरे मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, अब तक तू ना 1 डजन लड़कियों से मिल चुका। हर लड़की में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है करके खोट निकाला है तूने। मुझे पता है, कल तुझे यूएस से भी लेटर आ गया, तब जाके मुझे तेरा प्लान समझ में आया। कोई ना कोई रीजन देके 3 महीने तक तू मुझे घुमाता रहेगा और फिर आराम से यूएस भाग जाएगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मुझे थोड़ी बहुत अक्ल दी है। तू भी इतना होशियार मेरी वजह से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच्ची कुछ नहीं किया? मेरी कसम खा के बोल। खा कसम कि यूएस जाने से पहले तू शादी करेगा। खा कसम, नानी की कसम खा। ना तुम्हारी ना नानी की, मैं ये सब नहीं मानता। मुझे पता था करेगा या नहीं। लड़की नहीं पसंद करेगा तो मैं तेरे साथ आके रहूंगी। कार्तिक का क्या होगा? तेरे पापा देख लेंगे उसे। और नानी? उन्हें भी तो अपने साथ ही रखूंगी ना। कहाँ, इस पब में? छे तेरे फ्लैट में है? वैसे 3 बेडरूम है और तू अकेला रहता है, कितनी जगह वहाँ पे वेस्ट हो रही है। बताओ तुम मुझे। सबके लिए ना अच्छा खाना बनवाऊंगी। बाहर खाना खाने से कितना पैसा वेस्ट होता है पता है, और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कल ही सत्यनारायण जी बोल रहे थे कि टीवी में। ठीक है, शादी करूंगा मैं, जैकलिन की कसम, मैं शादी करूंगा। सच में? शादी मुबारक हो मेरे भाई। फर्स्ट टाइम पब में आई हूँ, बहुत मस्त है। माँ आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं अब जा रही हूँ। वो हमारे रिलेटिव हैं बेटा। रिलेटिव है तो क्या हुआ? दिव्या, तुम्हें याद है बचपन में तुम सीनू अंकल के घर आई थी? मैंने लड्डू चुराया तो तुमने मेरे सीने पर वार किया था। तुम्हें कुछ याद नहीं है? उसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। गुस्से में तुम्हारे गालों पर चाटा मारने का मन किया, फिर मेरी माँ ने बताया कि तुम मेरी कजिन हो, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। उसी टाइम पे ए क्या बोलती तू वाली फिल्म भी रिलीज हुई थी, वो तुम्हें याद है क्या? नहीं। कैसे याद रहेगा, हम दोनों छोटे बच्चे थे, हाफ शरारत करते थे। क्या बात है दिव्या, मैंने सुना है कि तुम सारे रिश्ते ठुकरा रही हो, वो भी मेरे लिए। मेरा तो तुम पर बचपन से ही क्रश था। हे, शर्मा गई क्या शर्माते हुए? कितनी अच्छी लगी। हेलो, हाँ बोलो, उसी से बात हो रही है, पापा के कहने पे आई है। पता है ये मेरे बचपन का प्यार है। तुरंत रेडी हो गई, फोटो भेजता हूँ, देखकर बताना। तुम ये क्या कर रही हो? कितना दर्द दोगी? अभी भी चुपता है यहाँ पर। गुस्सा हो गई क्या? मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना है? मैं लिफ्ट देता हूँ ना। वैसे तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है, मेरे शॉप में तुम्हारे लिए बहुत सारी वेराइटीज हैं। तुम देखकर खुश हो जाओगी। तुम सोच में पड़ जाओगी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तुम पर ना फालतू ड्रेस अच्छे ही नहीं लगते। जब तुम आना ना, अपने दोस्तों को भी लाना। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को 100% डिस्काउंट दूंगा, गारंटी मेरी किस्मत तुम्हारी। डिस्काउंट क्या देना, शॉप ही तुम्हारी रहेगी। जब हमारी शादी होगी तो तुम्हारी सहेलियों को तोहफा मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है? कहा ना बाद में फोन करना, कबाब में हड्डी बनता रहता है। जस्ट अ मिनट। हेलो, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। फोटो चाहिए? लाइव बात करवाता हूँ ना। आई एम सो सॉरी। अरे दिव्या, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? वो एक फ्रेंड से मिलने आई थी। उस दिन के बाद ना एक कॉल किया ना मैसेज किया। दिव्या, कांदीवली से मेरे दोस्त का फोन है, वो मुझ पे यकीन नहीं कर रहा है। एक बार बात कर लो ना, पूरा गांव वेट कर रहा है। सुनो, कांदीवली से कच्ची दाबेले मंगाओ क्या? कभी खाई नहीं क्या? एक बार खाओगी ना तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। इज्जत का कबाड़ा कर दिया। मैं फोटो भेजता हूँ। क्यों मैडम, इनके साथ शादी हो रही है? बहुत पैसे वाली पार्टी लगती है। गधा कहीं का। वैसे काफी शरीफ दिखता है। आज तक कभी मेरी माँ ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। ये कौन होता है मुझसे ऐसी बात करने वाला? दिव्या चलें क्या? ये हैंडसम मुंडा कौन है? तुम्हारा भाई है? हाय शौर्या, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है। मेरा नाम छलिया बाबू है। टी शर्ट स्टोर की है क्या? फुटपाथ। फुटपाथ की है। मेरे दुकान में आओगे ना तो सारे ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। केल्विन एल, एबिडास, रिबुक, हर एक फेमस नाम है ना। टॉमी हिल। हाँ, टॉमी का फिगर ऐसा ही। अगर तुमको कुछ चाहिए तो 2 दिन में बोल देना, प्रिंट मार के दे देंगे। कोई भी ब्रांड हो, बोलो ना। हेलो पापा, काम हो गया, आ रहा हूँ। बहुत कस्टमर्स है क्या? बस 5 मिनट में आया, सबर करो ना। मैं चलता हूँ दिव्या, अपने भाई को दुकान लेकर जरूर आना, ठीक है? 100% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? हाँ हितेश, तू वेट करना यार, मैं आ रहा हूँ। हंसी आ रही है। तुम्हारा कैंडिडेट A1 है। शट अप। उसकी दुकान की साड़ी से उसे बांधकर मार डालूंगी मैं। उल्लू, वो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो तुम्हारी शादी इस नमूने के साथ होगी? वेरी गुड। छी, इससे शादी हुई तो 2 दिन में डिवोर्स दे दूंगी। भैंसा कहीं का। एक भैंसा अगर शर्ट पैंट पहन ले तो भी इससे अच्छा लगेगा। बेवकूफ कहीं का। इससे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं कुंवारी मर जाऊं। दिव्या, आई लव यू। एक्चुअली हमने दिव्या को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी है। हमने नहीं, तुमने। हाँ, मैंने। उस दिन जो भी कॉल कर रहे थे वो सारे शौर्य के कजिन्स थे मम्मी, और कजिन्स तो क्लोजली बात करते हैं ना। हाँ, उस लड़के की बातों का कोई भरोसा नहीं है। खुशी मनाओ कि तुम उससे बच गई। नहीं मामा, उस दिन के बाद उसने मुझे बहुत बार कॉल किया। आपने मना किया था तो कैसे उठाती, इसलिए बात नहीं की। शौर्य की कजिन तो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, बेचारी मेरे पास आके मुझे सब बताया और मुझे कन्विंस भी किया माँ। अच्छा। अरे मेरी भोली बहना, उस पर भरोसा मत करो। पहले मैंने भी भरोसा नहीं किया मम्मी, सच्ची। क्यों नहीं भरोसा करेगी? आप पुरानी फिल्मों की हीरोइन जैसी दिखती है, आपके बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने बोल दिया मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने नहीं। करेक्ट, फिर से उसका चेहरा मत देखना। बेटा, तुमने उनको मना कर दिया, तब मैंने भी एक बार मान लिया था, पर अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उसने तुम पर जादू कर दिया है। अब क्या करना चाहते हो? अगर हम गलती करने वालों को हमसे दूर करेंगे तो दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं बचेगा, ऐसा कहा था ना आपने मम्मी? मैंने कब कहा था? इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैं जानती तक नहीं हूँ बेटा। 1995 मार्च थर्सडे, आपको याद नहीं है मम्मी? चंदा मामा दिखाते हुए, मुझे खाना खिलाते हुए आपने यही कहा था। बिल्कुल, मुझे याद है। अच्छा ठीक है, पर अब क्या करना चाहता है तू? आप जो चाहती है वही होगा मम्मी। मुझे लगता है दिव्या आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेगी, आगे आपकी मर्जी। तुम्हारे पापा को क्या कहेंगे? उसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लड़की को तंग कर रहा है, अंदर डालो इसे। मामा जी आप चुप रहिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम्हें पता है ना माँ, डैडी से इस बारे में सिर्फ तुम बात कर सकती हो। मुझे तो बहुत डर लगता है। अब ये डिसीजन हम पे छोड़ दिया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं। हाँ बोल देते हैं। ठीक है, आपकी खुशी में मेरी खुशी। तो चलो फिर लेट्स डू इट। अरे लीजिए ना। अरे वहाँ परोसो। नमस्कार। सरला दीदी आपके घुटनों का दर्द कैसा है? अरे मेरे घुटनों का इलाज करवा दिया है। घोड़े के साथ भागूंगी ना, मैं जीतूंगी। डॉक्टर कौन था? प्रसाद रेड्डी ना, सही पहचाना ना? चुप कर, मुझे शर्म आ गई। प्रसाद रेड्डी और मैं एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उससे मेरा घुटना कैसे दिखाऊं? रमेश ने किया, NRI डॉक्टर। हाँ हाँ, कॉलेज की लड़की है ना तू, देखो कैसे शर्मा रही है। तुमने अजवाइन डाला है ना, अजवाइन डालने के बाद खाने का मजा आता है और पेट में भी पचता है। सही कहा। आजकल ये सिनेमा एक्टर्स भी ना क्रिकेट के लिए पागल हो गए। पता है ना वो हीरो ने कब जीता? नहीं पता। नहीं देखने वेखने का कोई शौक नहीं रखते हो क्या? क्या कहना चाहते हैं? अरे आपकी बेटी की शादी को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन है, पर यहाँ आके मैंने क्या देखा? रहने के लिए घर, खाने के लिए पकवान और रहने के लिए एक बेड दे दिया। शादी का टेंट कहाँ है, लाइटिंग कहाँ है, डेकोरेशन कहाँ है? सबने मेरे को बोला मंदिर में शादी है। सबको टोपी दे रहे हो क्या? वैसे आप हैं कौन? मैं हूँ राम मोहन राव। सब लोग मेरे को प्यार से रामू बोल के बुलाते हैं। और मैं लड़के का मामा, तो आपका भाई हुआ ना, लड़का वाला हूँ मैं। अच्छा ऐसा है कि क्या हो रहा है? ये रामू आपका दिमाग खा रहा है क्या? कुछ नहीं जीजू, मैं तो पूछ रहा था कि लड़की की शादी में खर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी तो घर का ही हूँ ना। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का लड़की ने डिसाइड कर ही लिया है तो साथ रह सकते हैं, शादी की क्या जरूरत है? शादी की जरूरत नहीं है तो दोनों एक दूसरे को पति और पत्नी कैसे बोलेंगे? तो फिर हमारे या उनके घर में मंगलसूत्र पहना सकते हैं ना? ऐसे कैसे होगा? फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो दोनों शादीशुदा हैं? जिया जी अभी हम सब लोगों को बुलाकर वही तो कर रहे हैं ना, भगवान के सामने। क्या बात कर रहे जीजा जी, जो लोग इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं डेकोरेशन में, और रात भर की लाइटिंग तो दिन में भी जलती रहती है, हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं रसगुल्लों के साथ और धूमधाम से शादी करते हैं, वो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं शहर में ढिंडोरा पीटना। शादी एक पवित्र रस्म है, दिखावा नहीं है। घर के लोगों, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर मनाने वाला एक उत्सव है जिसमें सब मिलकर मंडप बनाते हैं। सभी मेहमानों को अपने हाथों से खाना परोसते हैं और सब साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। किसी को भी कहना नहीं पड़ता, सब खुशी खुशी काम करते हैं। जब मामा मामी, चाचा चाची, बड़े बच्चे, बूढ़े मिलके सब एक ऐसा उत्सव मनाते हैं जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आजकल की शादियां तो कुछ अलग ही हो गई। हम अपने घर की शादियों में ही मेहमान बन जाते हैं, इसलिए कोई अपनापन नजर नहीं आता। शादी का मंडप बनाने के लिए डेकोरेटर्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं बनती। यही सब जब घर वाले करते हैं तो उसमें एक भावना होती। हजारों लाखों खर्च करके भी उसमें वो खूबसूरती नहीं आती जिनको हम जानते भी नहीं। वो घर वालों और हमारे रिश्तेदारों को खाना परोसते हैं। इतने सारे अजनबियों के बीच अपनापन कहाँ से आएगा? कम से कम खाना तो अपने हाथों से परोसना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने शादी की जो रस्में बनाई, उन सबके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर है, लेकिन आज उन रस्मों को भुलाने में हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। शादी लड़का लड़की नहीं, दो परिवारों के दिलों को जोड़ती है। हमारे भी कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं उनको रिसीव करता हूँ। और तुम यहीं रहना इनके साथ। हाँ, मेरे साथ आओ। आता हूँ ना जीजा जी। क्या हुआ जीजा जी, शादी से इनकार कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, बाहर टेंट में राम भाऊ बैठा है, मैं अपने लोगों को लेकर जाता हूँ, बोल के तो देखो। जब दामाद जी ने आकर बोला कि बेटी को और पढ़ाना चाहिए और शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय अगर मैं 4 बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कर दूँ तो बढ़िया काम होगा। मेरी बेटी एक संस्कारी कुटुंब में जा रही, उसे एक अच्छी सोच वाला समझदार पति मिला है, मुझे इस बात का गर्व है। अबे तेरा डांस देखा मैंने। हंस ले बेटा हंस ले, आज तेरे हंसने का आखिरी दिन है, हंस ले। हाय डार्लिंग, अभी आई लव यू बोलोगी ना तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आज हमारी शादी है ना। ओवर स्मार्ट मत बनो, सूरी मामा सुनेंगे तो शक करेंगे। ये सूरी मामा कौन है? अरे वो उस दिन फंक्शन में थे ना, जो डैडी के साथ बैठे थे। हाँ वो मैं देख लूंगा। हाँ। तुम टेंशन मत लो, यही खड़े हैं मुझ पर नजर रखे हुए। क्या वहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है। जैसे विलन हीरो को घूरता है वैसे मुझे घूर रहे हैं। अरे कुछ करो शौर्या, एक्चुअली रहने दो, कुछ मत करो, स्टे काम, ओके बाय। मैं कभी कुछ करता हूँ क्या? हमेशा मैं ही बकरा मिलता हूँ मजे लेने के लिए। तू और बकरा। दीदी अंदर हैं क्या? हाँ, पैसों के लिए साड़ियाँ एक्सचेंज कर रही हैं। पैसों के लिए साड़ियाँ? ओ आइए आइए, सही समय पर आए, गेम अभी खत्म हुआ है। वो पैसों के लिए साड़ियाँ ऐसा कुछ? 201 स्कोर, ड्रॉप 20, मिड ड्रॉप 40, गेम 1000 पॉइंट्स का है। लक्ष्मी दीदी लिस्ट में है, हरा सकते हो क्या देख लो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैसों के लिए साड़ी मतलब ये गेम का सीक्रेट कोड है, इसलिए रखा है। नहीं तो मर्द लोग हमें कार्ड्स खेलने देंगे क्या? मुझे ये गेम नहीं आता। अगर नहीं आता तो अच्छे से पैसे कमा सकते हो, अगर गेम आ गया ना तो कैलकुलेशन करके सारा पैसा हार दो। दरअसल एंगेजमेंट साड़ी अभी तक आई नहीं है, तो टेलर ने कुछ। साड़ी आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठकर खेलो, शादी के काम में तुम एंजॉयमेंट भूल जाओगी। दीदी आपको एक बात बताऊं, प्रमीला के हस्बैंड हमेशा बहुत सीरियस ही दिखते हैं, लेकिन उनपे जान भी बहुत छिड़कते हैं। मुझे सब पता है, अब जल्दी से कार्ड फेंक। हाँ, ये लोग क्रेन की तरह होते हैं, हमेशा गॉसिप करते रहते हैं। क्रेन नहीं है मैडम, क्रो है। मेरा दिमाग, मेरी जबान, लेकिन तेरी उंगली क्यों आती रहती है हर बार हैं? हमेशा टीचर गिरी चालू। बाप रे, ये गहने क्यों पहनने हैं, ये 200 किलो की साड़ी क्यों चाहिए, शादी क्यों करनी है? कल 9 बजे तेरी शादी है। मैं तो 9 बजे उठूंगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तू ही दुल्हन है। अच्छा हुआ बताया। सुबह सुबह बेबी को मत भेजना मुझे तैयार करने, ये पहनो वो पहनो, जान ले लेती है मेरी। तुम्हारे ससुराल में कोई नहीं होगा तुम्हारा काम करने के लिए। मुझे अपना काम करना आता है। सिर्फ अपना ही नहीं, उनका भी काम तुम्हें करना होगा। और कोई काम नहीं है क्या? वहाँ जाने के बाद ये नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत बोलना। ओ प्रमिला देवी, इधर देखो। रो क्यों रही हो माँ? तुम्हारी वजह से डिलीवरी के टाइम बहुत तकलीफ हुई थी, 2 महीने पहले पैदा हो गई। इतनी छोटी सी थी कि तुझे पकड़ने में डर लग रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो गारंटी नहीं दे सकते कि तुम बचोगी या नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अभी वो याद करके रो रही हो? चुप रह, मजाक उड़ा रही है। जा, कल तक भी क्यों रुकना है, अभी चली जा। ओ, इसलिए रो रही हो? तो कहो तो शादी कैंसिल कर दे। तेरी यही बातें मुझे डराती हैं। इतने दिन तक तू घर में कितनी भी मस्ती करती थी, मैं नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। अब तो उनकी बहू बनने जा रही है, जानबूझकर वहाँ किसी को दुख मत पहुँचाना। कल से तुम जो भी करोगी तुम्हारी गलती नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि मैंने तेरी परवरिश अच्छे से नहीं की। ध्यान रखना। शौर्या, ए, फोन बज रहा है रे। दिव्या, इतनी रात को इतने कॉल और मैसेजेस क्यों? शिट। ये शादी मैं नहीं कर सकती शौर्या, ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है, एक धोखा है। आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ, डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। ओह नो, अब क्या होगा? सही कहा तुमने, ये बहुत बड़ा धोखा है, एक झूठ है। सही कहा। उस दिन हमारे बीच क्या बात हुई थी? अरे यार तुम मुझे बोलने तो दो। हम दोनों की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, शादी, राइट? हम जानबूझ के अपना रिश्ता ठुकरा चुके हैं, ये भी घर वाले जानते हैं, राइट? मतलब? तो पहले मुझसे शादी करो। व्हाट? अरे पूरी बात तो सुनो। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कर लेंगे, पहले शादी कर लेंगे, फिर 6 महीने बाद डिवोर्स। उस पर भरोसा करके कर रही हो? पहले उसने शादी कैंसिल करने के लिए आइडिया बनाया और अब शादी करने के लिए आइडिया बना रहा है। इतना सिंपल होता तो अब तक किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया? ये काम कोई अनाउंस करके नहीं करता, सीक्रेटली किया जाता है। इसे मना कर देगी तो वो तेरी शादी किसी और से करवा देंगे, सोच ले। ओके, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, जो होना था वो हो गया। ये शादी एक झूठ है, रोक देते हैं, अपने पेरेंट्स को सच बताते हैं। तुम घबराओ मत, मैं इल्जाम अपने सर ले लूंगा, कह दूंगा ये मेरा प्लान था। कह दूंगा तुम्हें कुछ नहीं पता था, मैंने ही कन्विंस करके तुम्हें मना लिया था। यू डोंट वरी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, डांटेंगे या फिर एक थप्पड़ लगाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में भूल जाएंगे। लेकिन उसके बाद तो वो तुमसे एक बार पूछेंगे भी नहीं, शादी करवा देंगे। वो झूठ नहीं होगा क्या? लड़का सोचेगा तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, वो धोखा नहीं होगा? पूरी जिंदगी एक दूसरे को धोखा देके जियोगे। इज दिस व्हाट यू वांट? भले ही हम पूरी दुनिया से झूठ गए, एक दूसरे को तो सच कह रहे हैं ना। ये हम किसी को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे हैं। दिस इज आवर लाइफ, डैम इट। ठीक है, हमने पेरेंट्स को बोला कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, उन्होंने सुना क्या? जबरदस्ती की ना, तो उन्हें बताने का क्या फायदा? उस दिन तुम ही ने पूछा था ना, मेरे लाइफ के डिसीजंस मैं खुद क्यों नहीं ले सकती? हाँ, पूछा था ना। अब लाइफ के डिसीजन हम खुद ले रहे हैं। पेरेंट्स चाहते हैं हम शादी कर लें तो कर रहे हैं, हम दोनों चाहते हैं फ्रीडम, इसलिए डिवोर्स। अपनी लाइफ का फैसला हम खुद कर रहे हैं दिव्या। ये सब करके हम किसी का कोई नुकसान नहीं करने वाले, मैं बस यही जानता हूं। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का यही तरीका है, और कोई रास्ता नहीं है, ट्रस्ट मी। क्या कहती हो? फेमस पीपीडी सेटअप, फल फूल और दूध, एक सेल्फी तो बनती है। So annoying. उफ, सुबह से मुझसे कम से कम 100 तरह की पूजा करवा चुके हैं। मेरा सर फटा जा रहा है। अरे यार, मेरे सर में तो ये सारे दाने अटक गए हैं। मेरे बालों में भी चिपक गए हैं। बाल शैम्पू से धो ना। तुम ही ने डाले थे ना, अब तुम ही निकालो। बैठ कर सिर्फ नसीहत दे रहा है। सुना था फर्स्ट नाइट बहुत रोमांटिक होती है। नहीं, ये सब होता है फर्स्ट नाइट में। वाओ, इतना हो गया ना, या तुम्हें कुछ और चाहिए? पता था मुझे, आई न्यू इट। हेमा बिंदु ने वार्न किया था। वो नशे में धो धोकर तुम्हारे साथ सोएगा, फिर अगली सुबह कहेगा सॉरी मैं तो नशे में था, मुझे पता ही नहीं चला। हेलो हेलो हेलो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है मैडम। हेमा बिंदु वही है ना जो राक्षस की तरह दिखती है, जैसी दिखती है वैसा सोचती भी है। तुम लाइट ऑफ करके सो जाओ, मेहरबानी करो। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों, उस हेमा बिंदु का चेहरा नजर आ रहा है? जस्ट शट अप। ओके, क्यों ना हम दोनों एक काम करें, सारे गिफ्ट्स ओपन करते हैं। कौन से गिफ्ट्स? ये सब क्यों चाहिए? धंधा डालना है ना। ये सब पागल हैं क्या? इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। अमेरिका में शादी के कार्ड के साथ दुकान का एड्रेस भी दे देते हैं। कपल को कौन से गिफ्ट्स चाहिए इसकी एक लिस्ट भी दी जाती है। लोग वही गिफ्ट्स खरीदते हैं। वही तरीका सही है। अभी तक ये लोग सोए नहीं। तुम्हारे जासूस सूरी मामा है। सूरी मामा? हाँ। फर्स्ट नाइट चेकिंग। अब क्या करें? दिमाग खराब है। प्लीज 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 एक बार कर लो ना प्लीज। अरे यार वो बाहर खड़े प्लीज यार एक बार प्लीज। इधर आओ। नहीं नहीं प्लीज। कहा ना आओ। मुझे डर लग रहा है। ये मेरी पहली शादी है ना। मैं क्या 10 बार कर चुकी हूँ। जल्दी पास आओ। मम्मी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। कोई भी नहीं आएगा। आओ। दहेज में लाखों रुपए लिए हैं फिर भी कुछ सिखा के नहीं भेजा क्या? आओ। नहीं 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 प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। मम्मी मम्मी ये मेरी बेटी है। नमस्ते। ये मेरी क्लासमेट। नहीं नहीं सही कहा आपने। ये सागर साहब है। शादी तो खत्म हो गई अब आगे। हनीमून इन शिमला। एक भयानक मर्डर इन शिमला मूवी देखिए। तुम्हें पहले ही बता दूं वो मेरी फेवरेट मूवी है। क्यों सही कहा ना। दरअसल हमने तो ओके ओके बुधवार को लॉयर के साथ मीटिंग फिक्स करता हूं। ओके है ना। इस लॉयर को तुम जानते हो? डोंट वरी बिल्कुल नहीं जानता। नहीं जानते? कम फास्ट। आज सुबह ही हैदराबाद पहुंचा। एक केस की सुनवाई है। मैं कम इन सर? सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में पहुंच जाना। आइए बैठिए। चलो कल मिलता हूँ। बोलिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं शौर्य हूँ सर और ये दिव्या है। हमें एक सिंपल स्वीट सुपर फास्ट डिवोर्स चाहिए। आप दोनों की एक साथ पूरा हो चुका है। आज ही एनिवर्सरी है। तो ये लीजिए सर बर्थ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में। ये सब कहाँ से मिला? अभी अप्लाई करेंगे तो 6 महीने में डिवोर्स मिलेगा पर अप्लाई करने के लिए शादी का 1 साल पूरा होना चाहिए। जरा घूरना बंद करो। पैसे दो तो सब कुछ हो जाता है। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे उस दिन बता रहा था तो पहले ही भाग गई। कुछ नहीं सुना। सो हमें डिवोर्स चाहिए। नो कॉम्प्लिकेशंस। देखिए आप लोग फिर से सोच लीजिए। शादी का रिश्ता सोसाइटी में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। हमें डिवोर्स चाहिए। आप हमसे फीस ले लीजिए। लेक्चर हम अपने माँ बाप से ही लेंगे। ठीक है आप वहाँ एप्लीकेशन दे दीजिए। ओके थैंक यू। हेलो ऑफिस में ही हो ना? हाँ भाई। अच्छा वही ग्राउंड फ्लोर वाली? हाँ ग्राउंड फ्लोर सीधे आ जाओ। ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। ओह क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? सब ठीक है। अपना एड्रेस मत लिखो हिमा बिंदु का लिख दो। फाइल रख दीजिए बाकी मेरा असिस्टेंट देख लेगा। वो आपको फोन करेगा। थैंक यू। नमस्कार। आओ आओ बैठो। कैसे हो? बढ़िया। बड़े दिन बाद है। शादी में क्यों नहीं आए? सॉरी यार हाई कोर्ट में काम आने की वजह से मैं शादी में पहुंच नहीं पाया। बिटिया भी साथ में आई है क्या? नहीं यार वो अभी हैदराबाद आए हुए हैं। उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ। नई नई शादी हुई है ना। राइस मिल एसोसिएशन के कुछ काम से आया हूँ। श्रीधर जी के ऑफिस यहीं पास में है तो सोचा तुमसे भी मिल लूँ। फाइल चेक करके कोर्ट में सबमिट कर दो। यार कभी कभी सोचता हूँ प्रैक्टिस ही बंद कर दूं। क्या हुआ काम ठीक से नहीं चल रहा? ऐसी बात नहीं है। इस प्रोफेशन में कई पाप के काम करने पड़ रहे हैं। अभी एक हस्बैंड वाइफ यहाँ से गए देखा क्या? नहीं नहीं देखा। दोनों 25 के अंदर के ही होंगे। शादी करके 1 साल ही हुए हैं। दोनों डिवोर्स के लिए आ गए। कह रहे थे कि म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ आए हैं। Celebrating our divorce, my friends. This is the latest fashion in India. She is my wife, sorry, ex-wife, Divya. And he is my ex-wife, Shaurya. इनके लिए शादी मजाक और डिवोर्स पार्टी जैसी हो गई है। शादी के लिए फोर्स क्यों किया? पहले शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर कौन से स्कूल में जाते हो वो बताओ, कितने फीस देते हो वो बताओ। हम उनके बच्चे हैं या खरीदे हुए गुलाम हैं? हाँ? हम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से क्यों जिए? गलती उनकी नहीं है यार, गलती उनके पेरेंट्स की है। फैमिली क्या है, फैमिली वैल्यूज क्या है, ये सब बचपन से सिखाना जरूरी है। सिखाने के बावजूद ये सब पीठ पीछे यही तो करते हैं। सामने शरीफ बन के सुनते हैं, फिर उसके बाद मनमर्जी का करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लोग सही हैं या फिर हम। अरे बस कर यार, ये सब सोचकर अपना दिमाग खराब मत कर। ईश्वर की कृपा से हमारे बच्चे शरीफ हैं। दम 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 आदम ये हमदम पुराना है, कैसा थकेला जमाना जमाना। खुशियों को हर दम तू दिल में बसाना, बना के ये गाना बजाना हो जाना। डार्लिंग, क्या हुआ डार्लिंग? तुम ठीक तो हो ना? इस आंटी ने तुम्हें डरा दिया। माय बेबी। अपार्टमेंट के अंदर कौन मुर्गी पालता है? Why not? By the way, her name is कामाक्षी। वैसे भी गांव में हर एक घर में होती है। तुम खाओ डार्लिंग, खाओ खाओ खाओ। खिलाओ, अच्छे से खिलाओ। जल्दी कोई ना कोई इसका चिकन 65 बनाकर खा जाएगा। इसको चिकन मत बोलो, ये मेरी रूममेट है। इसके इन सेक्सी लेग्स के साथ जब ये मेरे घर के हॉल में रैंप वॉक करती है तो क्या लगती है? तुम्हारे पैर इससे बेहतर है ना, इसलिए ये जलती है। आंटी की बातों का ध्यान मत दो, आंटी की रात की अभी तक उतरी नहीं है। तुमने ही पिलाया मुझे, बादाम मिल्क बोलकर भांग पिला दी, कहा कुछ नहीं होता। मैंने बोला था एक ही ग्लास पीना, तुम्हें किक नहीं मिली तो तुमने 3 ग्लास पी लिए। आ जाओ डार्लिंग। ओके व्हाटएवर, तुम और तुम्हारा ये चिकन 65 खुशी से रहो, मैं जा रही हूँ। ओके देन, जैसे डिसाइड हुआ था मैं हॉस्टल जा रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा इतना ही? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? सोचो सोचो जरा, अपने दिमाग पर जोर डालो। तुम तो घर से भाग के जाने वाली थी, मैंने ही तुम्हें समझाकर तुमसे शादी की और तुम्हारे उस स्ट्रिक्ट डैड से तुम्हें आजादी दिलवाई। हाथ में दिया तो? शौर्या तू कितना ग्रेट है यार, तू कमाल का है यार, तुझे मैं कितनी बार थैंक्स कहूँ, कुछ तो बोलना चाहिए। आई एम हर्ट। अभी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें कॉल किया तो? बोल दूंगा तुम बाथरूम में गई हो। और तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे किया तो? बोल देना मैं बाथरूम में गया हूँ। दोनों ने किया तो? बोल देंगे दोनों बाथरूम में गए, डुएट सॉन्ग गा रहे हैं। यू सो सिक। बचपन से हो ना, कोई यहाँ आएगा ना कोई जानेगा, टेंशन को गोली मारो और खुश रहो। मैं हूँ ना, देखा सच है। शौर्य पुत्र, सरप्राइज, कैसे हो? हाँ प्रसाद, शौर्य हमको देख के शौक हो गया यार। हाँ हाँ अच्छी है, देख रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छी है। हाँ देखा, देखो कितनी सोनी है। शौर्य पुत्र ले डैडी से बात कर। क्यों सरप्राइज हो गए? सिंह अंकल बैंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हो गए, साथ ही मैंने बता दिया कि तुम्हारे अपार्टमेंट में एक फ्लैट है। तेरी मम्मी खुश हो गई कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे। आप जो कर रहे हैं ना सब याद रखूंगा, थैंक्स। अब फोन रखिए। जब शौर्य छोटा था हम आर्य नगर कॉलोनी में नेबर थे, अभी शौर्य ने हमें फ्लैट दिलाया है। थैंक यू पुत्र, फ्लैट बहुत ही चंगा है। बाय द वे माय वाइफ मनदीप कौर। सत श्री अकाल जी, आज रात आप दोनों कार आ जाना डिनर के लिए। मेरे पुत्र पेप्सी सिंह, कैंडी सिंह, कुकी सिंह। लो पुत्र खाओ खाओ जी, शर्माओ मत, लो लो। मैं भी ताकतवर हूं। ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा कोई ना, मैं कर दिया, कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। हाँ बोल बोल देना, अभी बोलना। लव यू सिस्टर, बोला था ना राक्षसी पहले बात करेगी। तू पैसे निकाल। यू कंटिन्यू सिस्टर। उसको छोड़, तू बता, बोलना क्या किया उसने, बोलना। अरे बताना। कल रात सिंह अंकल के घर में डिनर करने के बाद मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। शादी हो गई, डिवोर्स अप्लाई कर दिया है, अब हम अपनी अपनी लाइफ जियेंगे, यही तय किया था ना? हाँ वो तो सही है, लेकिन क्या तुम रोज नई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे? मैं इडियट की तरह देखती रहूंगी? योर प्रॉब्लम यू सॉल्व इट। प्रॉब्लम तो हम दोनों की है ना। क्यों डर लग रहा है क्या? अरे रहने दो, तुम जैसे लड़के और क्या कर सकते हैं। सही है, मैं एक बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ, एक नंबर का झूठा। ये सब मैंने तुम्हें फंसाने के लिए किया। बता देता हूँ अभी तुम्हारे डैड को फोन करके सब बता देता हूँ। हमने शादी की, ये सारी प्लानिंग की, अभी डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। ये तुम्हारे डैड को बता देता हूँ, फिर छुटकारा मिल जाएगा मुझे। शौर्य, शौर्य। बस करो, अब तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना है मुझे। रोज रोज का ड्रामा, चुप बैठा हो तो सर पे चढ़ती जा रही हो। तुसी दोवें की गल कर रहे हो, मैनू समझ नहीं आया। मेरी ना हिंदी थोड़ी वीक है जी, हुणे भी मैं सीख रही हाँ। मियाँ बीवी का नोक झोंक हो रहा है ना। हुणे तुसी दोवें मियाँ बीवी बन गए। तुसी स्वीट नहीं खाया ना, ऐस करके मैं तुहाडे लई लेके आई। लो पुत्र जी खाओ। झगड़े के बाद रोमांस चंगा होता है। एंजॉय जी। तुझे जिंदा जला देना चाहिए। हे भगवान, अरे मैं शादी करता हूँ तो तुझे प्रॉब्लम। अभी तूने शादी की और इस फुद्दू से प्लान में हम सबको इन्वॉल्व किया और अब खुद ही पीछे हटना चाहता है। दूं क्या कान के नीचे। शट अप यू इडियट। यहाँ बैठ। सबको काम करना है, तुझे अक्ल नहीं है क्या? वो क्या स्केच कर रहा है? ये न्यूज अगर बाहर आई ना तो तू भी प्रॉब्लम में फंसेगा। सिर्फ वो नहीं, गुस्सा आएगा तो कुछ भी बोलेगा। क्या बोलने से पहले सोचेगा नहीं? हाँ, पूछो ना इससे। तू बस चुप रह, तू किसी काम का नहीं है। इरिटेटिंग फूल। लिसन बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को फ्रीडम चाहिए था तो मिलके एक प्लान बनाओ। हमने मना किया पर तुमने नहीं सुनी और अभी इस स्टूपिड इडियोटिक बिहेवियर से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। तुम्हें 6 महीने एक साथ रहना है, कहाँ रहोगे? इससे क्या? कांट यू लिव लाइक फ्रेंड्स? डिवोर्स होने के बाद तुम दोनों अपने रास्ते चले जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लिसन, डू व्हाटएवर द हेल यू वांट। ओके, आई एम सॉरी, गुस्से में ज्यादा बोल दिया। इट्स ओके। सॉरी बोल। आई एम ऑल्सो सॉरी। हाँ डैड। हाँ बोलो, कब आ रहे हो? क्यों, फिर से शादी करवानी है क्या? मुझे और तेरी माँ को लोग देखने आ रहे हैं। पागल कहीं का, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गया क्या? ओ हाँ, मैं आता हूँ डैड। अकेले नहीं, तुम दोनों को आना है। अभी भी खुद को बैचलर समझता है क्या? दिव्या को लेकर आना। दिव्या को? दिव्या डैड, डैड डैड दिव्या हॉस्पिटल के काम में बिजी होगी। ओकेजन बताओगे तो जरूर आएगी। अरे डैड, उसको क्यों तकलीफ देनी है? घर का फंक्शन है, मैं आ जाता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर का नहीं, मेरे घर का फंक्शन है। मैं और मेरी बीवी सेलिब्रेट कर लेंगे। अरे सेंटी मत होइए डैड। एक मिनट, परसों मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तुमको भी आने को कह रहा है। मैं हैंडल कर लूंगा। कोई बात नहीं, चलते। डोंट बी सिली, मैं डैड को मैनेज कर लूंगा। मैं हाँ कह रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आर यू श्योर? तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे घर आऊँ? बिल्कुल आ सकती हूँ, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि ये मेरा कोई प्लान या स्कीम थी। कार्तिक, कार्तिक नहीं बेटा, नहीं प्लीज बेटा। कार्तिक, कल चिकन बना दूंगी बेटा। ये क्या मत कर बेटा, प्लीज बेटा। ये सब क्यों देते हो उसे? साहब, उसे स्टील का नहीं दूंगा तो कांच का फेंकने लगेगा। ये फिल्म कब शुरू हुई? अभी अभी हुआ है। अच्छा, मतलब आधा घंटा और चलेगा। मैं अंदर जाता हूँ। छोटे साहब ने कल चिकन लॉलीपॉप मांगा था तो मैडम भूल गयी, उसी का नतीजा है। नहीं बेटा, प्लीज प्लीज बाबू शांत हो जाओ। ओ माँ, अरे सासू माँ, मैं हैंडल करती हूँ। हाँ जा बेटा। अभी तुम फेंको, मैं देखती हूँ। माय गॉड कार्तिक, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, स्पाइडरमैन जितने स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, तुम सच में स्पाइडरमैन तो नहीं? ओह माय गॉड, आई न्यू इट। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत भूख भी लगी है, चिकन खाने का मन कर रहा है। क्या तुम सूप पियोगे? फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये चलो कुछ खाते हैं कार्तिक। ओके ना, चलो। ये मम्मी ने बनाया, ठीक है ना? खाओ तुम और लो ना। ये पूरा खत्म करना, ओके? ये भी लूंगा। टेस्टी है ना? तुम्हारी बहू आ गई है तो थोड़ा रिलैक्स करो। अब मेरा ख्याल रखो। अरे क्यों डार्लिंग, मैं नहीं हूं तो अपना ख्याल नहीं रख सकती? क्या हालत कर दी है तुमने अपनी। अरे अभी तो तुम्हें सिर्फ 90 साल हुए हैं, थोड़ा बहुत ब्यूटी का ख्याल रखना चाहिए। नाइस। अभी अभी आई है और उसी की तरफ। मेरा प्यार भी उसी को दे दोगी क्या दिव्या? हाँ? एक मिनट यहाँ आओ। तुमने इनसे बात नहीं की तो मुझे गाली दे रही है। नमस्ते। घर आके कितना टाइम हो गया? इनके पैर छुए? पैर पड़ो। सॉरी नानी मां। दोनों पैर छुओ। रुको, हाथ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। ये लगाओ ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। लगाओ। क्या क्या कहा तुमने? ये सुंदर है लेकिन मुझसे थोड़ी सी कम। अरे नानी, दिखने में थोड़ी एवरेज है पर मैं एडजस्ट करता हूँ। नानी माँ ने कुछ नहीं कहा। कहा ना, सिर्फ मैं सुन सकता और कोई नहीं सुन पाता। डॉक्टर दिव्या, वो क्या है ना कि 3 साल पहले इनका इनकमिंग कट हो गया और 1 साल पहले आउटगोइंग। तब से हम दोनों आंखों ही आंखों में बात करते हैं। तो जब तुमने कहा कि नानी माँ ने गाली, यो सच्चा ब्लडी। नानी माँ के सामने गाली? सॉरी सॉरी। डाल दिया सर। क्या बात, यहाँ पे 2 चम्मच बोला है, 2 ही डालो। टीवी पे देखा है, उसमें ज्यादा ही डालते हैं। हम उनसे बढ़िया बनाएंगे। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। जब उल्टी आती है तब भी ऐसे ही लगता है। ओए, चल कल्टी मार, चल फोड़। मैडम साहब बाहर आने से मना कर रहे हैं, आप अंदर जाएंगी कि नहीं? खत्म होने तक अंदर आने से मना किया है ना। किचन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ से जाओ। बीवी हो तो ऐसी, कितनी रिस्पेक्ट करती है। और कितना टाइम लगेगा? हो गया बस 5 मिनट। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाना है, फिर बंद करना है। रोटी चावल को भूल जाओगे और सिर्फ चिकन खाकर उंगलियां चाटोगे। दिव्या, मैं सिर्फ आज के दिन ही किचन में आता हूँ। तुम्हारी सासू माँ इस दिन का वेट करती रहती है। मेरे हाथ के खाने की दीवानी है। बस बहुत बोलिए, अब जाके फ्रेश हो, मैं देख। लेकिन बस इतना याद रखो, इसमें कोई और मसाला मत डालना, अंडरस्टूड? ठीक 4 मिनट के बाद बंद करना है। राइट को घुमाना है, कंफ्यूज मत होना। टेस्ट बदल गया तो मुझे पता चल जाएगा। ओ माँ, हे भगवान, देखो ये हाल है। देखो थोड़ा भी नहीं पका है। तुम्हारे ससुर को लगना चाहिए कि उन्होंने खाना बनाया बस काफी, नहीं तो हमको उनका खाना खाना पड़ेगा। साल में सिर्फ एक ही बार झेलना पड़ेगा, चलेगा? अगर ये रोज करना पड़ता तो मैं तो। दिव्या, हाँ? हाय। हे कार्तिक, चिकन रेडी है, खाए क्या? हाई फाइव। किसी इधर भी। ये अभी जल्दी जाकर शौर्या को बुलाओ, ठीक है? वो तुमको बहुत पसंद करता है, समझ गई मैं। इससे पैदा होके 10 साल हो गए, एक दिन भी शांति से नहीं सोई हूं। आज मैं अच्छे से सोऊंगी। में एक रोमांटिक फिल्म देखी थी जिसमें हीरो हीरोइन साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। बर्तन धोते धोते रोमांस करते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही बर्तन धोऊंगा तो लड़कियां फिदा हो जाएंगी, पर किस्मत देखो, मम्मी इंप्रेस हो गई। बर्तन धोने के लिए जो बाई रखी थी उसे भी निकाल दिया। यही लाइफ है, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं। मैं इतनी बड़ी बात शेयर कर रहा हूँ और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है शौर्या। फिर से रेलवे स्टेशन भागोगी क्या? उल्टा सीधा कुछ मत करो, कल जाना ही है। वो बात नहीं है, कार्तिक मुझसे इतना प्यार से बात करता है, ये देखकर तुम्हारी माँ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अब मैं रिलैक्स हो सकती हूँ क्योंकि कार्तिक का ख्याल तुम रखोगी। बोल दिया, बस हो गया। उन्होंने बोला और तुमने टेंशन ले लिया। नहीं शौर्या, सब लोग यही मानते हैं कि हमारी शादी सच है, क्या करें? इससे कोई प्रॉब्लम हो गई तो? मेरी मॉम एक बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। वैसे भी उनका ख्याल रखने के लिए हम सब है ना, मैं हूँ ना। जब भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं संभाल लूंगा। व्हाई यू स्कैर्ड मैडम? स्माइल। यहाँ प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। हाँ दोस्त, थोड़ा प्रसाद देना। फैमिली है यार, थोड़ा ज्यादा देना। दिव्या, यू नो समथिंग, कार्तिक के साथ, मम्मी पापा के साथ तुम्हें हंसते खेलते देखा ना, तो लगा यू आर अ परफेक्ट फैमिली गर्ल। पर मैं तो आई एम अ डर्टी रॉटन स्काउंड्रल। तुम एक अच्छी लड़की हो, एक अच्छा लड़का ढूंढ के शादी क्यों नहीं करती? मेरी माँ अवार्ड विनिंग कुचिपुड़ी डांसर है, राइफल शूटिंग में भी गोल्ड मेडल जीता है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता ना? शादी के बाद उन्होंने हॉबीज, इंटरेस्ट सब त्याग दिए, मेरे डैडी के पसंद के मुताबिक खुद को ढाल दिया। वही उनके लिए प्यार है और वही शादी का मतलब। डैडी उनकी दुनिया है। ऐसे जीने वाली मेरी मम्मी से मेरे डैडी तब बात करते हैं जब सिर्फ उन्हें ज़रूरत महसूस होती है। घर चलाने के लिए बस पैसे दे देते हैं। वो रोज टेबल के पास खड़े होकर उन्हें खाना परोसती है। एक बार पलटकर पूछा भी नहीं कि तुमने खाना खाया। मेरी माँ शादी करके इस घर में लाई हुई एक वस्तु है और कुछ भी नहीं। अगर शादी का यही मतलब है तो मुझे कभी शादी नहीं करनी। सब ऐसे ही होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है दिव्या। तुम्हें समझने वाला कोई अच्छा सा लड़का जरूर मिल जाएगा। मेरी माँ ने भी यही सोचकर शादी की थी। हम ठान ले तो एनीथिंग इज पॉसिबल दिव्या। मेरे दोस्त शिव कुमार को कहता हूँ अच्छा लड़का ढूंढे। शिव कुमार? शिव कुमार, लॉर्ड शिवा। हे शिवा, दिव्या, दिव्या, शिवा, इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे जितना अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे जितना अच्छा कोई है ही नहीं, पर उसके आसपास भी चल जाएगा। क्या बोलते हो? सत्य। बेल बजी ना? शौर्या। हाँ डैड, पूजा का टाइम हो गया, आ जाओ। ओके। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमोस्तुते नमस्तये 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्तुते। टिफिन पैक करने के साथ साथ एक क्यूट मैसेज भी भेजा है। शादी के बाद इसके फेस पे अलग सा ही ग्लो दिख रहा है ना? अरे ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हें प्यार हो जाएगा। और अगर प्यार हो गया ना तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। सौम्या का ऑफिस आजाद नगर में है ना, तो वो स्टूडियो में क्या कर रही है? वो उसकी कंपनी का प्रोडक्ट एड शूट है ना आज वहाँ पर। ओह, तो हम लोग शूट पे जा रहे हैं। वहाँ पे तो मॉडल्स भी होंगी ना। दोस्त हो तो तेरे जैसे। उसकी कार में आया। अरे छोड़ ना। ये कला मंदिर की साड़ी में जो चमक रही है उसका नाम क्या है ना? मॉडल वैदे ही, यूएस आई है। तुम क्यों पूछ रहे हो? अब शेर को पूछोगी हिरन क्यों चाहिए तो वो क्या कहेगा दीदी? मतलब इंट्रो करवा दो ना। हाथ हटाना। वो वहाँ खड़ा है ना, वो मेरा फ्रेंड शौर्या है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन 5 सालों के बाद मुझे मस्का मार रहा है ताकि मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। बहुत डेंजरस है। उसका नंबर शेयर करती हूँ तो जरूर फोन कर लेना। कुछ भी हो जाए पर मुझे बीच में मत लाना, ठीक है ना? आज ही पता चला लव एट फर्स्ट साइट क्या है। वो मुझे कितने प्यार से देख रही थी। अभय, चले क्या? उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या दीदी? तुझे कॉल आएगा, परफ्यूम लगा के रेडी रहना। कॉल नहीं है, लव लेटर आया है। हाय, दिस इज वैदे। व्हाट अबाउट कॉफी टुमारो? I love you so much, दीदी। वो मेरी है। I love you too, bro। मैं समझता नहीं हूँ। दूर दूर तक सिर्फ पत्थर और पहाड़ नजर आ रहे हैं। एड्रेस तो इसी जगह का दिया था उसने। मैप गलत है या लड़की गलत है? Hey शौर्या, शौर्या, up here, come on, come on। बाप रे, कॉफी पीने गब्बर सिंह के अड्डे पे क्यों बुलाया? Coffee on the rocks, come on, come on, let's move। आ रहा हूँ। यहाँ पकड़ो, पैर सीधा रखो। हाँ, करेक्ट। हाय, आई एम वैदे फ्रॉम शिकागो। हाय, आई एम शौर्या। बहुत सारी लड़कियों के साथ तुमने कॉफी पी होगी। मैंने सोचा दिस हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? तुम इतनी खूबसूरत हो कि कुछ रॉन्ग बोल ही नहीं सकती। मेरे साथ हर रोज फ्लर्ट करोगे क्या? हर रोज नहीं करता, सिर्फ फ्राइडे को, और आज फ्राइडे, सो नो चॉइस। शौर्या, कॉफी। थैंक्स। सौम्या ने कहा था कि तुम थोड़े डेंजरस हो, पर इतने डेंजरस पता नहीं था। फिर भी तुमने मुझे डेट पे इनवाइट किया। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जिनमें डेयरिंग हो। मन में कुछ और बाहर कुछ और दिखाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। आई एम क्लियर, मेरे पास ये कमिटमेंट्स, इमोशनल ड्रामा के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे दुनिया देखनी है, लंदन, पेरिस, रोम में अपने फोटोग्राफी के एग्जीबिशंस डालने हैं। आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ मैन। मैंने तुम्हें पहले देखा है, हम पहले कहीं मिल चुके हैं। व्हाट? कहाँ? आईने में। यू आर माय मिरर इमेज। मेरे सपने किसी और के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मिलना चाहती थी। लेकिन आज सिर्फ कॉफी, डिनर के लिए इनवाइट करके डेजर्ट के लिए मत रोकना, ओके ना? कॉल करूं या ना करूं? फ्रेंड्स है तो कभी भी कॉल कर सकते हैं ना। शौर्य, ये टी शर्ट देखो, क्यूट है ना? आई थिंक वी शुड बाय इट। जो तुम्हें पसंद है मुझे भी पसंद है। 3 4। कामाक्षी, सांप ने काट लिया। तुम्हारा गेम फिनिश। आई वन, ये क्या बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी बिजी है आजकल। दिन भर में एक फोन अटेंड करने का भी टाइम नहीं है उसके पास। रात को जब घर आएगा तो काफी थका हुआ होगा। डिनर बना के उसे सरप्राइज करें। क्या बनाऊं? बिरयानी? अरे डार्लिंग, वेज बिरयानी की बात कर रही हूँ, ऐसे मत देखो। यू हैव सच अ डर्टी माइंड कामाक्षी। सीरियसली। मेरा डर्टी माइंड? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मैं तुम्हारी मिरर रिफ्लेक्शन हूँ, यही कहा ना तुमने। अरे यू हैव अ डर्टी माइंड। ए वैदे रुको। तो चलिए अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज तापमान है 30 डिग्री, आसमान साफ है, बारिश की कोई आशंका नहीं है। गर्मी लगातार छाई रहेगी अगले 2 दिन तक। दिव्या, सॉरी यार, कल पूरा दिन मैं अपनी दोस्त के साथ था, तुम्हारे कॉल्स अटेंड नहीं कर पाया। कुछ अर्जेंट था क्या? आई नो, अर्जेंट होता तो तुम मैसेज कर देती। अरे ओए, ऐसी खतरनाक ब्रीदिंग क्यों कर रही हो? कोई अच्छा सा आसन करती जिससे मेरी दिल की धड़कन बढ़ती, मेरा बीपी थोड़ा कम हो जाता। ओके ओके, स्टॉप बिहेविंग लाइक एन इडियट शौर्या। मैं समझ गया ना, आज हॉलीडे है। पहले मैं लंच बनाऊंगा, फिर हम कैरम खेलेंगे। ओके, नो अदर प्लान्स, नो फोन्स, नथिंग। ए वेदू, 100 साल जियोगी, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हेलो? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो? हाँ हाँ वेदू, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। मैं क्यों बिजी रहूंगा यार? हाँ? तुम बोलो ना, फिल्म देखने जाना है? एनीथिंग इज ओके। हाँ? दीदी, सांप ने काट लिया। पूरे शहर में सांप ही सांप है। दीदी, आप दोनों 2 रूम में क्यों रहते हो? हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। ये बात जाके शौर्या से पूछो। तुमने जो टी शर्ट सिलेक्ट किया था ना, बहुत अच्छा था। वो मुझे हाय पेप्सी। अंकल, आप एक बेडरूम में और आंटी एक बेडरूम में क्यों सोते हो? हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। तुझे तो भाई है ना, हमारे घर में बच्चे नहीं है, इसीलिए हम ऐसे ही सोते हैं। अब जा, जाके खेल, मैं फोन पे हूँ। जा दीदी, सुसु आई है। शौर्या से जाकर कहो हम न्यूयॉर्क में बहुत मजे करेंगे। ओके अंकल, सुसु अर्जेंट। तो घर जाके करना। अर्जेंट है, अर्जेंट है। दिव्या, दिव्या, इसको हेल्प करना यार। अर्जेंट अंकल, अर्जेंट। जो मिलता है सब पी जाता है और फिर सुसु करते रहता है। दिव्या, दिव्या। ओहो, मुझे पता है वो किससे बात कर रहा था। तुम्हें कैसे पता? अरे उसने उसके साथ सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डाली है, तुमने देखी नहीं क्या? प्लीज, आई डोंट केयर। उसकी खबर रखने का मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही इंटरेस्ट। डार्लिंग कहाँ थी तुम? आज हॉलीडे था ना, तुम्हें पसंद है इसलिए एग फ्राइड राइस बनाया था। पर सबसे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे यार कितना काम करोगी, आओ ना। डार्लिंग डार्लिंग रुको रुको, देखो डार्लिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। वैदई सुपर पर्सनालिटी, तुम बस एक बार हाँ तो कह दो, मैं रोमांस अगले लेवल पर लेकर जाऊंगा। हे हाथ निकालो, कब से देख रही हूँ मैं। डार्लिंग बेबी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बीवी हूँ। जैसे तुम बाकी लड़कियों के साथ रहते हो ना, मेरे साथ रहना मत। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? डोंट टच मी। तुम जैसा चीप लड़का मुझे टच करे, मुझे पसंद नहीं। क्या कहा तुमने? चीप लड़का? कब से सुन रहा हूँ जो मुंह में आए बक रही हो। तुम क्या अपने आप को कटरीना या सनी समझती हो क्या, जो मैं टेम्प्ट होकर तुम्हारे आसपास घूमूंगा? होंठ ऐसे जैसे किसी चींटी ने काट लिए हो, मेरे तो कंधे तक नहीं आती तुम तो इसमें सुंदर भी नहीं लग रही हो। तुम्हें लगता है लड़के क्या मर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए? भूतनी जैसे बाल और कार्टून जैसा मुंह है, लड़की इसको बोलते हैं। इसकी पर्सनालिटी देखी तुमने? एक तो तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं, ये मेरे टाइप की है। इसको देखकर मरा हुआ आदमी भी उठकर डांस करने लगे। तुम्हें कोई देखेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो वहीं मरेगा, समझ गई? अब जोर से दरवाजा बंद करो। सच में कर दिया। ऐसा कैसे बोल सकता है वो? ऑफ कोर्स मैं कटरीना नहीं हूँ, लेकिन मैं अबव एवरेज तो हूँ ना। हमारे ग्रुप में सबसे अच्छी लगती हूँ ना मैं। कॉलेज में वो वेंकटेश 3 महीने तक मेरे पीछे पड़ा था, और ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, ब्लडी बास्टर्ड। वो बंदर मेरे बारे में कमेंट करता है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। खलास, आई विल टीच हिम अ लेसन। और वो वैदेही कौन है? एकदम चुड़ैल लगती है मुझे वो। उसका फोटो दिखाकर मेरी इंसल्ट करता है। अगर मैंने उसको जिंदा नहीं गाड़ दिया ना, मेरा नाम वैदेही नहीं, छी दिव्या नहीं। ओके बाय। कामाक्षी, कामाक्षी, तुम्हें बताया तो था। कामाक्षी, यार रामू तुमने कामाक्षी को कहीं बिल्डिंग में देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। तुम तो मुझे जानती हो ना। हाँ। अगर मेरे साथ पंगा लेगा तो समझो मर गया, छोड़ूंगी नहीं। ये बता फिल्म देखने चली गई या नहीं? लंच में है आज चिकन फ्राई। फ्रेश चिकन का तो टेस्ट ही अलग होता है। अरे यार मैं क्या पूछ रही हूँ, तू क्या बता रही है? चिकन लेग्स तो मेरे फेवरेट है, क्या सेक्सी लगते हैं यार। छोड़ यार, तू पागल हो गई है, रहने दे। दिव्या कामाक्षी को क्यों खाएगी यार, तू पागल हो गया है क्या? लड़कियाँ गुस्से में कुछ भी करती हैं, ऊपर से ये तो दिव्या है। किडनैपिंग वाला एपिसोड भूल गया क्या? तूने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना नाराज है? वो कल एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। क्यों किया झगड़ा? यार उसने बकवास की तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने बहुत कुछ बोल दिया, पर सब मन की बात थी। लड़कियों को ना हाइट, वेट, ब्यूटी, इन सब के बारे में कभी सच नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने की एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल सच नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना। ठीक है यार, पर अब क्या करूं? अब देख भाई, तूने एक फेस बनाया है ना, हाँ वही सेम एक्सप्रेशंस लेके उसके पास जा और आई एम रियली सॉरी ऐसा बोल दे। थोड़ा स्वीटली, सिंसियरली बोल देना। नहीं हुआ तो एक्टिंग ही कर ले यार। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है उसे, पूरा घर ढूंढ लिया है। मुझसे बेहतर तुम्हारा नसीब है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मैडम, ये भी टेम्पररी है। अगर वैदेही इस घर में कदम रखेगी तो तुम फिनिश। कामाक्षी मिल गई डार्लिंग, वो मेरे बेड के नीचे एक डब्बे के अंदर घुस गई थी। पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। गॉड। अरे ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तो ऑलरेडी ताज में एक कैंडल लाइट डिनर बुक कर दिया है। Get ready for a beautiful, super romantic birthday. बहुत मजा आएगा। तुम रेडी रहना डार्लिंग, तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। आई लव यू शौर्या। हैं? तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा फील कभी हुआ ही नहीं था, पर तुम और तुम्हारी बातें, आई एम जस्ट सो हैप्पी विथ यू। बातों बातों में तुमसे प्यार कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तुमको लगा था मैं ऐसा बोलूंगी, वैसा सीन बिल्कुल नहीं है। मैं वैदेही हूँ, मिरर इमेज ऑफ शौर्या। बच गया, लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने हार्ट अटैक दिया है। कमाल हो तुम, वेरी गुड। मैं तुमसे ऐसा मजाक करती रहूंगी और ऐसा शौक मिलता रहेगा शौर्या। अरे दिव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैदेही, दिव्या, दिव्या, वैदेही। हेलो, हाय। ये कौन है? कजिन। हाँ, कजिन कजिन। बैठो ना दिव्या। ये टेबल बहुत छोटा नहीं? अरे क्यों, हम 3 ही लोग तो हैं, फिट हो जाएंगे। और वो लोग? कौन लोग? सत श्री अकाल जी। एनी प्रॉब्लम? या नो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नो, नॉट येट। वो लोग कौन है? फ्रेंड्स हैं? नहीं, उससे भी ज्यादा, ऑलमोस्ट फैमिली। तुम्हारी फैमिली पंजाबी है? वो इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, वैसे ये इंटरस्टेट मैरिज है। हाउ इंटरेस्टिंग, है ना? कैसे? कैसे? बोलो शौर्या। बोलता हूँ ना दिव्या, 1 मिनट। यार श्योर? यार तू मुझे ओ यार दिव्या का बर्थडे है? क्या शौर्या, पहले क्यों नहीं बताया? अचानक से डिनर के लिए इन्वाइट कर दिया, हमने गिफ्ट भी नहीं लिया। आप लोग आए, यही शौर्या के लिए गिफ्ट है। वो लड़की कौन है? फ्रेंड। दिव्या फ्रेंड? नहीं, कजन आंटी। दिव्या की कजन? हाँ। नहीं, शौर्य की कजन। हाँ, कजन सिस्टर है। कोई सिस्टर नहीं है ना तुम्हारी? वैदा ही है ना दिव्या। हाँ? अब चले मम्मी जूस। हेलो जी। वो लड़की बहुत अच्छी है। अंकल, आप शौर्य की पूरी फैमिली को जानते हैं ना? ऑफ कोर्स बेटा, 15 साल हम नेबर थे, उसकी फैमिली हमारी फैमिली जैसी है। तो वैदा ही तुम्हारी कौन सी वाली कजन है? अंकल को इसके पेरेंट्स के बारे में बताओ ना। हाँ बोल बेटा। मतलब मेरे डैड के कजिन ब्रदर हैं श्रीनिवास राव, लास्ट मंथ मिले थे ना बैंगलोर में। ये वो नहीं है। मेरे मम्मी के छोटे भाई रामू। तो रामू अंकल की जो बेटी है, रामू को तो कोई औलाद ही नहीं है। रामू अंकल की जो बड़ी बहन है, उनकी बड़ी बहन तेरी माँ है। हाँ, उनकी बड़ी बहन तो मेरी माँ है। रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? ओके, फिर ये तुम्हारी कजिन कैसे, समझ में नहीं आया। अभी बोला ना। कहाँ बोला? नहीं बोला। आप मम्मी डैडी की पूरी फैमिली हिस्ट्री जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। मेरी पुणे वाली आंटी को नहीं जानता। उन्हीं की बेटी है। पुणे में रहती है तो यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तुमने तो कहा था कि वो मॉडल है। मॉडलिंग की पढ़ाई कर रही है। मॉडलिंग कैसे? पढ़ाई कर रही है अंकल, और साथ में मॉडलिंग भी। आंटी आप मॉडल हो? हाँ। क्यों? शौर्य अंकल ने नहीं बताया? नहीं बताया। तुम भी आ रही हो ये नहीं बताया था? मुझे भी नहीं बताया। हमें भी यहाँ आने तक कुछ नहीं बताया। शौर्य, बर्थडे केक किधर है? मेरा बर्थडे है ये पहले बताया था उसने। आज तुम्हारा भी बर्थडे है? तुम्हारा भी है क्या? हाँ। वाह शौर्या, सो एक्साइटिंग। सो एक्साइटिंग। उसने तुम्हारे बारे में ही नहीं बताया, तो तुम्हारे बर्थडे का क्या बोलेगा? हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू, सेम टू यू। यू आर वेलकम। दिव्या क्या कर रही हो? प्लीज मुझे बचा लो। कैसे शौर्या, मेरा मुँह तो भूत की तरह है और दिमाग तो है ही नहीं, मैं कैसे बचा सकती हूँ? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगा। अगर मेरा चेहरा कोई देख ले तो अच्छा खासा इंसान भी मर जाता है ना? What can I do? नहीं नहीं, तुम तो परी हो। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स दोनों को मिलाओ तो तुम जैसी लड़की बनती है। मैंने उस दिन जो भी कहा था वो सब भूल जाओ। जो भी है, तुम दिल से कह रहे हो ऐसा लगता नहीं है। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, पैर पड़ता हूँ। ओके, पढ़ो। क्या सच में? तो शौर्य, शादी के बारे में बताया क्या? मैरिज? क्या? किसका मैरिज? स्पून गिर गया था। ओके, सब खुश है? आओ केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले इसे खिला। दिव्या, आई एम सॉरी। मी टू। बहुत बकवास की मैंने। आई डिडंट मीन ऑल दैट। तुमने मुझे कल इरिटेट तो किया था, पर अगर कल सिंह अंकल को डाउट आ जाता तो वो डैड को बता देते, फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम होती ना। आई एम सॉरी, फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बच्चों जैसा बिहेव किया मैंने, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाला। आई एम रियली सॉरी। पीएमएस है? व्हाट? वो मंथली वाला, मुझे सब पता है। हेलो, लड़की का मूड स्विंग हमेशा पीएमएस नहीं होता। स्टूपिड। जो भी था, फिर से मत करना यार। मूड तुम्हारा होता है पर स्विंग मैं हो जाता हूँ। इसलिए मना किया था पर तूने सुना नहीं। अब क्या पूरी तरह प्यार में पड़ गई है? क्या बोल रही हो तुम? मेरे सामने एक्टिंग मत करना। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। शौर्य और मैं बस दोस्त हैं। अभी शौर्य का नाम मैंने लिया क्या? तूने लिया। वैदेही का नाम लेते ही तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो जाता है? 4-5 दिन से क्यों इतनी डल है तू? मेरा मूड 1000 रीजन से खराब होता है, उनमें से कोई भी शौर्य नहीं है। हम दोनों के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, 4 पेपर्स और 2 सिग्नेचर्स। 1 महीने में ही डिवोर्स हो जाएगा। फिनिश। बहुत अच्छे से ट्राई कर रही हूँ अपने आप को कन्विंस करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। डार्लिंग सुनो ना, मुझे पता है तुम बिजी हो, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। कल रात होटल में जो भी हुआ, उसके बाद और कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने एक फैसला किया और वैदेही से मिल लिया। इस सारे प्रॉब्लम की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैंने उसे सच बताया। पहले तो उसे बहुत शौक हुआ, पर बाद में जोर जोर से हंस पड़ी। उसने कहा रूल्स ब्रेक करने के बारे में हम सोचते हैं, पर तुम दोनों तो किसी और ही लेवल पर हो। मैंने उससे ये भी कहा कि कल रात तुमने मुझे कैसे फंसाने की कोशिश की। उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। उसने कहा दिव्या ही तुम्हें हैंडल कर सकती है। मैं उससे तुम्हें आज मिलवाना चाहता हूँ। आज रात 8 बजे मैं तुम्हें पिकअप करूंगा, उसके बाद फुल पार्टी करेंगे। क्या बोलती हो? मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। हेलो हेलो दिव्या, शौर्या, शौर्या जल्दी। शौर्या, 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 शौर्या उठो। दिव्या, दिव्या। ये क्या है? तुम वैदेही के घर में क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रही है स्टूपिड? मुझे लगा मैंने उसे ड्रॉप किया, पर एक्चुअली उसने मुझे ड्रॉप किया। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इज फाइन। गुड नाइट बेबी। ओह गॉड शौर्या, क्या यार? मम्मी पापा आए हैं। मम्मी पापा क्यों आएंगे? मेरे मम्मी पापा आए हैं शौर्या। ओह, अभी तक स्विच ऑफ है। वॉचमैन ने तो कहा कि वो दोनों घर पर हैं। पता नहीं। डार्लिंग, स्टोर डार्लिंग, शौर्या से स्टोर रूम में ले जाओ। सॉरी सॉरी, तुम जाओ, दरवाजा खोलो, जाओ ना। अभी तक सो रही थी क्या? कल रात देर से सोए, हॉस्पिटल में थी। यहाँ से हिलना मत। दिव्या कॉफी रेडी है। अरे सासू माँ, ससुर जी, व्हाट अ सरप्राइज। आप लोग कब आए? कैसे हो बेटा? दिव्या के राज में एकदम खुश हूँ। सासू माँ आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है बेटा। मेहमानों से अच्छी बीमारी है, 2 दिन रहकर चली जाती है। हमें चेकअप कराना था इसलिए आए थे, परसों चले जाएंगे। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जस्ट जोकिंग। आप ही की बेटी का घर है। एक्सक्यूज मी। हाँ हम पहुंच गए। माँ आपके लिए कॉफी बनाई? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अरे सासू माँ बैठिए ना। हाँ पहली बार घर आई और अब सीधा किचन में जाएंगी। ये बताइए घर में सब कैसे हैं? सीरियल वगैरह देखती है कि नहीं? मैं सीरियल्स नहीं देखती बेटा। ओह गॉड, आजकल एक कमाल की सीरियल आ रही है, झूठी शादी के नाम से, शायद आपने देखी नहीं होगी। मैं और मेरी मॉम तो उसे मिस ही नहीं करते हैं। अरे दिव्या तुम बताओ ना। बता नहीं। ओके बेटा। दिव्या मुझे नहाना है। दिव्या ससुर जी मेरे रूम में नहा लेंगे, सासू माँ को अपने रूम में ले जाओ। आप सोचेंगे 2 रूम्स क्यों है? लड़कियों को जितनी भी रूम्स दो कमी पड़ती है। इसने साड़ी और कपड़ों से एक रूम पूरा भर दिया है। पापा आप आइए। सासू माँ आप कहाँ जा रही हैं? उन्हें डायबिटीज है ना, तो नाश्ता करके 9 बजे टैबलेट्स लेनी है। उनके आने तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? यहीं पर एक बढ़िया होटल है, वहाँ से खाना मंगाएंगे, बहुत अच्छा होता है। नहीं उन्हें बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। दिव्या स्टोर रूम कहाँ है? सॉरी सासू माँ, माँ की याद आ गई। शादी को 4 महीने हो गए, अब तक नहीं आए हैं वो लोग। सिर्फ कार्तिक ही उनका बेटा है, वही उनका सब कुछ है। मैं उनका कोई नहीं हूँ। 4 महीने से ये दुख सीने में दबा कर रखा था। आज आपको देख लिया ना, बाहर निकल रहा है। एक्चुअली मैं ऊपर से बहुत नॉर्मल लगता हूँ, लेकिन अंदर से इमोशनल हूँ, है ना दिव्या? माय फुट। माँ इसकी बकबक बंद नहीं होगी, तुम चलो नहा लो, डैडी के लिए खाना मैं बना दूंगी। ऐसी बात नहीं बेटा, दामाद जी। हाँ पता है पता है, तुम चलो मेरे साथ। अरे वाह क्या मैनेजमेंट किया। तू एमबीए कॉलेज क्यों नहीं खोलता यार? मैनेजमेंट सिखाना क्या टैलेंट है। यू आर अ वेरी स्मार्ट गाय। ड्रामा बंद करो, उनके बाहर आने से पहले वैदेही को बाहर करो। अरे इस हालत में कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारे नालायक दोस्त, उन्हें कॉल करो। नालायक दोस्त तो अब है। ससुर जी के दोस्त हैं सिंह अंकल, ये उनका बेटा है कैंडी, बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। आपके घर में भी चिकन है क्या? बेटा बहुत सारे। कौन सी चक्की का आटा खाती है? अंकल आप हिंदी है कि पंजाबी? हिंदी हो। अरे बाप रे। आपके घर में कितने बेडरूम्स हैं? क्या आप और आंटी भी अपने घर में 2-2 बेडरूम्स में सोते हैं जैसे कि? अरे तू आ गया क्या? रोज इसी टाइम पे घर आ जाता है सुसु करने। आजकल के बच्चों का स्टाइल ही कुछ और है। तू आजा चल। ये बैड मैनर्स है, दूसरों के घर पे सुसु नहीं करते। अब चल निकल। चला गया वो। बालकनी में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ये टेलीस्कोप तुम्हारा है क्या? हाँ ससुर जी, मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है। आप ट्राई कीजिए ना, मजा आएगा। कुछ दिख नहीं रहा है। उस तरफ देखिए। दिव्या टिफिन रेडी हुआ क्या? ससुर जी उस तरफ घुमाइए ना, बड़ा मंदिर दिखेगा। किस तरफ बेटा? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे। राइट की तरफ, राइट की तरफ। हाँ और राइट, हाँ करेक्ट, 22 डिग्री। उधर ही देखिए, उधर ही देखिए, यहाँ मत देखिए, वही देखिए। शायद दरवाजे पे कोई है। 5 मिनट में सूरज निकलेगा, फिर मंदिर नहीं दिखेगा। आप वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। शौर्या, शौर्या क्या बात, इतना अर्जेंटली बुलाया तूने मुझे? अच्छा 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 जल्दी। देख क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे यार ये इस घर में आज मरवा के रहेगी। अब तू एक काम कर, दिव्या बचा ले। दिव्या मंदिर शायद इस तरफ नहीं है बेटा। देखो वैदू, ये मेरा दोस्त अब है, ये तुम्हें घर ड्रॉप करेगा। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वो दरवाजा खोलना था। ले जा इसको जल्दी। ससुर जी, सासू माँ, अभय, अभय, ससुर जी, सासू माँ, दिव्या, वैदई, वैदई, दिव्या। इंट्रो हो गया। ओके ओके चलता हूँ, बाय। ओके नहीं, अरे यू पार्ट में इसके साथ भेजना। ओके लव यू यार, बाय। बेटा उन्हें क्यों वापस भेज दिया? अरे सासू माँ आप नहीं जानती, वो बिल्कुल फेविकॉल की तरह है, आते ही चिपक जाते हैं, इसीलिए मैंने भगा दिया। आज का दिन सिर्फ आप दोनों के लिए है ना दिव्या? शौर्या, डैडी डिनर रेडी। ससुर जी हाँ आप रुकिए। अभी क्या बोला तुमने? मैंने क्या बोला? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जब भी बुलाओगी तो आना पड़ेगा, जब भी कहोगी बैठो तो बैठना पड़ेगा। अब क्या हुआ? क्या ससुर जी, क्या ये लेडीज डोमिनेशन बिगाड़ के रखा आपने? इसे रोज खुद खाना बनाओगी और खुद परोसोगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे? जवाब दो। हमारी भी अपनी इच्छा होती है, हमारा भी अपना एक टेस्ट होता है, बताइए ना ससुर जी। अब मैं क्या बोलूं? अरे आप इनसे मत डरिए ससुर जी, मैं हूं ना, आप खुल के बोलिए, बिल्कुल मत डरिए। देखिए मैं आप जैसा अच्छा नहीं हूं, जो ये जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा। आज से इस घर के रूल्स चेंज, दोनों साथ मिलकर खाना बनाएंगे, साथ में बैठकर खाएंगे। आइए ससुर जी, सासू माँ आप बैठिए ना। बैठो दिव्या बैठो। ससुर जी चम्मच उठाइए, बिना डरे खाना परोसिए, सासू माँ को दीजिए ना। हाँ। वो मना करेंगी लेकिन आप रुकिए मत। बस बेटा। अरे पापड़ लो ना। शादी के 25 साल में आज उनको इतना हंसते हुए देख रही हूँ। तेरा जीवन साथी जैसा मैं चाहती थी, तुझे भगवान ने उससे 100 गुना बेहतर दिया। लिखा है आज का आपका दिन बहुत शुभ और बहुत अच्छा बीतेगा। अजी सुनिए, सब पैक कर दिया है, 9 बजे निकलना था ना। अरे 9 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। जी वो दिव्या के बारे में इनके साथ। अरे मैं तो भूल ही गया, वो अगले महीने दिव्या के मामा की बेटी की शादी है विजयवाड़ा में, वैसे भी अभी दिव्या की छुट्टियां चल रही हैं। अगर इसे भी साथ ले जाएंगे तो ये भी सबसे मिल लेगी। अरे पूछ कह रहे हैं, दिव्या आपकी बेटी है, आप जब चाहें ले जाइए। ओके दिव्या, खुशी से जाओ। पहुंचते ही फोन करूंगा। दिव्या, मामा जी को बोल दिया हम निकलने वाले हैं? हाँ, बोल दिया। सब रख दिया ना? दिव्या बॉटल्स। कौन सी बॉटल्स? वो कार में वाटर बॉटल्स रखने थे ना। रख दिए। अच्छा किया रख दिया। अब चलें? हम चलते हैं बेटा। ओके ससुर जी। दिव्या बोलो। बियर बोतल दिख नहीं रहे, कहाँ रखे? बाथरूम कैबिनेट में है। मैडम आप जैसा कोई नहीं, इसीलिए आई लव यू। एंजॉय करके आना। दिव्या पहुंचते ही कॉल करना। सासू माँ, इसे जल्दी वापस भेजिएगा, इसके बिना कुछ सूझता ही नहीं। डब्बा मुंह से मत लगाओ, इंसान की तरह ग्लास में डाल के पियो। तेरी आंटी को डॉक्टर नहीं टीचर होना चाहिए था। बाहर से चाहे जितने गुस्से वाली हो, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। मेरे साथ एकदम गब्बर सिंह जैसी है, लेकिन पापा के सामने पापा खाइए ना ऐसे हो जाती है। तू क्या बोल रही है मैं समझ गया हूं। नो 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 नो, मैं दिव्या को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूं। मुझे ये सेंटीवेंटी होना, किसी को मिस करना, ये बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी आदत हो गई है यार। आदत का क्या है, आदत होती है फिर छूट जाती है। बस एक महीना और फिर तुम लोग मुझे मिस करोगे। कैसे जियोगे यार मेरे बिना? हाउ यार, इसको तुम लोग कैसे झेल रहे हो यार? जब गटर बाजू में हो तो बदबू की आदत हो ही जाती है ना, इसका भी वैसा ही है। ओह शिट, यूएस से कॉल है। हेलो या जॉन, व्हाट? That's awesome news. Thank you. Yeah, I'll be there. Sure. Thank you. Yes. Hello, New York. पता है क्या हुआ? $1 million कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। क्या खुशखबरी सुनाइए। रुको, दिव्या को ये सुनाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएगी। I like this. अबे कहाँ खो गया था? Okay. Boys, one more. Yeah. अबे क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतना टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं यार, यूएस का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया। व्हाट? यूएस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया? तो इतना कैजुअली बता रहा है। सेलिब्रेशन! ये! ओके ओके, काम करो। पार्टी! दिव्या। दिव्या को? हाँ, उसने 2 दिन पहले कहा था इस महीने कंफर्मेशन आ जाएगा। पेरेंट्स को बताया कि नहीं? नहीं यार, बाद में बताऊंगा। दिव्या को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। फोन क्यों नॉट रीचेबल है? तो इतनी बड़ी न्यूज तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, क्लोज फ्रेंड्स को नहीं बताई, मुझे भी नहीं बताई। बरसों से जिस गुड न्यूज के लिए तुम इंतजार कर रहे थे, वो सबसे पहले दिव्या को बताई। तुम्हारे मन में क्या है वो पहले पता कर लो शौर्या। आई फील इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक। टेक केयर, बाय। खुशी खुशी इस दुनिया से गई है। तेरी शादी देखी, सबके साथ प्यार से रहते हुए दिव्या को देखा, शांति से गुजर गए। उम्मीद नहीं थी तू इतना समझदार हो जाएगा। ये दिव्या का ही असर है। उस दिन तूने इस रिश्ते को ठुकराकर फिर बाद में मान लिया। ऐसे ही लिखा था। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, हमेशा इसकी कदर करना। समधे जी, क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? टीवी में क्या क्या दिखा रहे हैं खुद ही देख लो। एक समय में शादियों को घर में त्योहार जैसे मनाया जाता था, लेकिन अब शादी टूट के डिवोर्स होने की खुशियां जोरों से मनाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन हॉल्स द्वारा फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ एक हिंदुस्तानी कपल का पोस्ट अब इंटरनेट पे हलचल मचा रहा है। सेलिब्रेटिंग आवर डिवोर्स माय फ्रेंड्स, दिस इज द लेटेस्ट फैशन इन इंडिया। She is my wife, sorry, ex-wife, Divya. And he's my ex-wife, Shaurya. पहले शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर कौन सी स्कूल में जाते हो वो बताओ, कितने फीस देते हो वो बताओ। हम उनके बच्चे हैं या खरीदे हुए गुलाम हैं? हाँ? आप हमसे फीस ले लीजिए, लेक्चर हम माँ बाप से सुनेंगे। अपनी जिंदगी उनके हिसाब से क्यों जिए? ससुर जी वो जबान खींच लूंगा, एक लफ्ज और बोला तो जबान खींच लूंगा। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? हमारी इज्जत को नीलाम करने का हक तुम्हें किसने दिया? किसने दिया? हमारे लिए शादी करोगे, खुद के लिए तोड़ दोगे। तोड़ दो, शादी तोड़ के किसके लिए जियोगे? किसके साथ जियोगे? शादी की इनविटेशन में खुद के नाम के साथ माँ बाप का नाम और एड्रेस के साथ आखिर में पूरे खानदान की शुभकामनाएं छपवाते हैं। उसका मतलब पता है तुम्हें? हमारा खानदान शादी की परंपरा को मानते हुए अपने बच्चों की शादी करवा रहा है। आके उन्हें अपना आशीर्वाद दे और सोसाइटी इन्हें पति पत्नी की हैसियत देकर इज्जत दे। हमारा सुपुत्र हमारी परंपरा और खानदान की इज्जत का वारिस है, इस तरह इनविटेशन देते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। आप लोगों ने शादी करके हम पर कोई एहसान नहीं किया। आज ये तलाक किसी भी सूरत में होके रहेगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। पिछले 45 सालों से जो भी पाया था वो सब आज खो दिया। मेरा सब कुछ लुट गया। इसमें जितनी गलती तेरी है उतनी मेरी बेटी की भी है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। सुनिए, सुनिए। सुन क्यों नहीं रहे? ये लो डिवोर्स पेपर्स। अगले हफ्ते हैदराबाद में तुम्हारी बेटी की शादी है। सुना कि तू यूएस वापस जा रहा है, तेरी माँ ने बताया। ऑल द बेस्ट। किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था पापा, सच कह रहा हूं, पर यह सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। यह सच है कि हम गलतियां किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करते। उस वक्त तो हमें यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे किस एक्शन का क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। तुम दोनों की शादी भले ही झूठी थी, लेकिन जो वक्त साथ में बिताया वो तो सच था। दोनों परिवारों ने मिलकर जो साथ में समय बिताया वो सच था। दिव्या और तुम्हारे बीच की दोस्ती सच है, और अब तो इस लड़की को चाहता है ये भी सच है। तू भले ही खामोश रहे, लेकिन आंखें कह रही हैं। शादी को सिर्फ जिम्मेदारियों से भरा बंधन समझने वालों को जानना चाहिए। इसमें प्यार और जिम्मेदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप। सब बदल जाता है, फ्रेंडशिप नहीं बदलती। आखिर किसी शादी के टूटने की वजह भी फ्रेंडशिप ही होती है ना। एनीवे, गुड लक सन। सबको छोड़ के यूएस चला जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो दिव्या को भूल पाएगा? यही हैदराबाद में उसकी शादी है। एक बार तो सोच ले यार। अगर एक बार दिव्या से बात करेगा तो आई एम श्योर। क्या बात करूं मैं? कौन सी शक्ल लेकर उसके सामने खड़ा रहूं मैं? जाता हूं। दिव्या, फिर से मुझ पर भरोसा करो, चलो मेरे साथ। ये कहूं, मुझ पे भरोसा करो, भरोसा करो। ये बार बार कह के दिव्या की जिंदगी बर्बाद की। उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, सबको चोट पहुंचाई, किसी की नहीं सुनी, किसी के बारे में नहीं सोचा, बस जो मन में आया वो करता गया। बहुत हो गया, यहां से जाना ही सही है। भैया जरा एटीएम के पास हो। सॉरी सर, आउट ऑफ सर्विस। थर्ड फ्लोर में एक और एटीएम है। पता भी है यहाँ हो क्या रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? गन मेरे हाथ में है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? क्या मस्त चिकना है तू। ये गन देख के डरना मत। हाँ, मैं विलेन नहीं हूँ, मैं तो शरीफ इंसान हूँ। वो क्या है कि वो फिर से शादी कर रही है, तेरे को तो पता ही है ना भाई। दिव्या फिर से शादी कर रही है, इसको कैसे पता है? तेरे को भी पता है? मतलब डिंडोरा पीट के शादी कर रही है, इसीलिए तो मैं यूएस जा रहा हूँ। अबे, शादी मेरी बीवी कर रही है, तू मैदान छोड़ के क्यों भाग रहा है? तेरी बीवी? नहीं तो क्या? अबे तेरी बीवी? अरे यार, अब वो मेरी बीवी नहीं है, डिवोर्स हो गया। मेरी बीवी ने तेरे को डिवोर्स कब दिया? अबे तेरी बीवी क्यों देगी यार, मेरी बीवी ने दिया। अबे तेरी मेरी क्या होता है? देख भाई, कंफ्यूज मत कर, क्लैरिटी रख। देख हमारी बीवी ने, हमारी नहीं है। जाने देना यार, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तेरी तो सिर्फ यूएस की फ्लाइट मिस होगी, मैं यहाँ पर अपनी कॉमन बीवी मुझे डिवोर्स दिए बिना तुझे डिवोर्स देके किसी और के साथ शादी कर रही है। मेरे साथ तू भी कर। इस दुनिया को एक बीवी के दो पतियों के बारे में पता चलना चाहिए। मैं तेरे को खलास करता हूँ, तू मुझे कर। अरे यार, गन एक है, दोनों कैसे करेंगे फिर कंफ्यूजन? अरे यार, तू बहुत कंफ्यूज हो रहा है। अरे मैं नहीं, तू कंफ्यूज हो रहा है। वो हम दोनों से शादी करके हमें सौतेला पति बना गयी। दिव्या के बारे में ऐसी बातें मत कर। और दिव्या तुझसे शादी क्यों करेगी यार? मोरल ऑफ द स्टोरी, ये दिव्या कौन है? मेरी बीवी किसी और से शादी कर रही है, तेरी भी बीवी किसी और से शादी कर रही है, यही मैटर है ना? मैटर वही है कि तेरी बीवी भी शादी कर रही है। अरे यार वो किसी और से शादी कर रही है और तू अभी तक इधर ही खड़ा है। तो मैं क्या करूँ? यहाँ से कूद के मर जा। अरे एक बात बताना तो भूल ही गया, एक अर्जेंट कॉल कर। किससे कॉल करूँ? मीडिया को, मीडिया के जरिए हमारा वायरल होके हमारी बीवियों तक पहुंचना चाहिए। भाई हैप्पी आवर में एक पे एक पौवा चढ़ाया, तब से मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा, इसीलिए तेरे को उठा के लाया यार। चल बहुत वार्तालाप हो गया, मीडिया को कॉल कर यार। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? अब मैं क्या करूंगा? रुको रुको जरा लाइन पे रहो। हेलो हेलो एनटीवी। हाँ एनटीवी सर, यहाँ पे एक आदमी है सर, उसकी बीवी किसी और से शादी कर रही है। वो कहता है वो करने वाला है और बेकार में मुझे किडनैप करके यहाँ लेके आया है सर। हाँ उसके पास गन भी है सर। क्या बोला? नाम बोलो। तेरा नाम बोल। गौतम सुरसुरे। उसका नाम गौतम है। और तेरा? मेरा नाम शौर्य है सर। एरिया? आदर्श नगर के पास तेजस टावर के ऊपर सर। अरे नवीन। हाँ सर। कैसे तेरे को उधर जाना पड़ेगा? ओके सर। लेकिन करना क्या? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, लिख लो। फ्लैश न्यूज, शौर्य नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने वाला है और गौतम नाम के एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया है। उनके डिमांड्स क्या है ये पता नहीं चल पाया है। मैंने कहा था एयरपोर्ट चलते हैं पर किसी ने नहीं सुनी। नाउ कॉल दिव्या। हेलो। शौर्य कर रहा है, तुम दूसरी शादी कर रही हो इसलिए करने के लिए वो बिल्डिंग पर चढ़ गया। व्हाट? अभी तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ प्लीज। उससे कहो ये ड्रामा बंद करे प्लीज। अरे पागल, टीवी देख, पता चल जाएगा। आई डोंट केयर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अब जल्दी से रजिस्टर ऑफिस चलो। तेरा रे नाना ने नाना, तेरा रे नाना ने नाना, तेरा रे नाना ने नाना, ताना ने नाना नाना, तेरा रे नाना तारा नाना। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा हो सर। हाँ है ना। दिव्या, सॉरी सच में सुसाइड कर रहा है, प्लीज जल्दी आओ, भरोसा करो प्लीज। सोचो मत दिव्या, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं कि ये अधिकार तुम्हें दें। जवान बेटी अब सब समझने लगी है, ये बात मान ही नहीं सकती, पर इतना जरूर कर सकते हैं, हम हमेशा दूसरों की गलतियां दिखा सकते हैं पर अपनी गलती कभी नहीं दिखती। इसलिए आज तुम्हें क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगी। जाओ, मेरे दिए हुए संस्कारों पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ। चलो जल्दी बच्चों बच्चों। आज की ब्रेकिंग न्यूज, एक जवान लड़का। एक्स्ट्रा फोर्स आने में कितना वक्त लगेगा? हमारी उस पर नजर है। शौर्या शौर्या कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रहा है, जल्दी कीजिए। शौर्या एक्सक्यूज मी। ओके सर। शौर्या शौर्या शौर्या। हेलो आप कौन है? मैं दिव्या हूँ, मेरी वजह से वो कर रहा है। शौर्या क्या? हेलो हेलो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ नीचे से, आपकी बीवी आई यहाँ पर। तुम्हारी बीवी बात कर रही है। लो बात करो, बात करो उनसे लाइन पर। हेलो हेलो, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं मेंटल हूँ, पागल हूँ। तुमसे शादी करके आदमी पागल ही बनेगा, साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा। पी रखी है क्या? आप पी रखी है, हैप्पी आवर था एक ज्यादा पी है। प्लीज नीचे आ जाओ। मैंने ऊपर जाने की कमिटमेंट कर ली तो मैं नीचे नहीं आऊंगा। हेलो। अरे क्या हेलो हेलो, मैं जान देने जा रहा हूँ और मुझ जैसे मासूम की जान तेरी वजह से जाएगी। जा शादी कर ले जाके। नहीं नहीं मैं शादी नहीं कर रही हूँ, नीचे आ जाओ। आप चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीचे नहीं आऊंगा। मीडिया, ऑडियंस, मेरे फैंस और बाजू में खड़ा मेरा भाई, किसी को मसाला नहीं मिलेगा अगर मैंने नहीं किया तो। प्लीज नीचे आ जाओ शौर्या। शौर्या ये ले। सर आप ही बात कीजिए सर। मेरी बीवी को बोल देना मैं सुसाइड करूंगा, तू विटनेस है। हाँ हमारी बीवी इतनी गिड़गिड़ा रही है फिर भी क्या? सर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो तुम क्यों बात कर रहे हो? फोन दो उसको जल्दी, उन्हें तुमसे बात करनी है। हेलो, अरे भाई तेरी बीवी रो रही है। अरे उसका रोना देखकर तो मैंने शादी की थी, पर उसके बाद से मैं ही रो रहा हूँ, वो नहीं रो रही। आप ही बात करो। हेलो, अरे क्या हेलो हेलो लगा रखा है, जान दे रहा हूँ, मजाक चल रहा है क्या? बात तो सुनो, वो शादी। अरे जाके कर ले उस कार्टून आदमी से शादी, जिंदगी भर जोरू को गुलाम बन के रहेगा, मैं नहीं बनने वाला। शौर्या कॉल कट कर दिया। आप जल्दी से बाजू वाली बिल्डिंग पे जाके उससे बात करो, तुमको देख के वो अपना इरादा बदल देगा, तुम पीछे से जाओ। दोस्त मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। जब तक मेरी टिकट नहीं कटती तेरी भी कटने नहीं दूंगा। ओके बाय, मैं चला कूदने। अबे रुक, इतना प्यारा हूँ मैं तुझे, मुझे रोक लिया तूने। चल मैं तेरे लिए अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद पूरे के पूरे पैसे उड़ा दियो। इसका पासवर्ड है। दिव्या तुम यहाँ कैसे? मैं दूसरी शादी करूंगी तो तुम मर जाओगे, पागल हो? नहीं यार मैं नहीं मर रहा हूँ, ये मर रहा है। मैं मर रहा हूँ। What? गौतम सुरसुरे जिसने मुझसे फोन पे बात की थी वो। ओ तो फोन पे तुम थी क्या? फोन पे शीतल नहीं थी क्या? गौतम सुरसुरे मैं हूँ। ये क्या कंफ्यूजन है? इसकी बीवी तुम्हारी तरह किसी और से शादी कर रही है, इसीलिए ये आदमी कर रहा है। मैं यूएस जा रहा था तभी इसने मुझे मार कर किडनैप कर दिया, और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कर रहा हूँ। मेरी शादी हो रही है इसलिए तुम यूएस भाग रहे हो। वो क्या है कि अभी तो बहुत खतरनाक है। अरे यहाँ गैप ज्यादा है, वरना वहीं आकर तुम्हें धक्का दे देती। मैंने क्या किया यार? कुछ सीखो उससे, उसकी बीवी शादी कर रही है तो वो कर रहा है। क्या यार, अभी कर रहा था तो गाली दे रही थी, अब सपोर्ट कर रही हो। लेडीज है ब्रो, खुद भी कंफ्यूज रहती है और हमें भी कंफ्यूज कर देती है। क्या है? तुम्हें देखकर मेरे दिल में एक बात आई है, इस बेवकूफ आदमी से शादी करके तुम पछता रही हो ना, और मैं भी उस तोती जैसी शक्ल वाली औरत से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। सेम सिचुएशन, सेम फील, सेम लव, सेम क्लाइमैक्स। इन दोनों भूतनी वालों को छोड़ देते हैं, तुम हाँ बोलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। बताओ आइडिया कैसा लगा? ए, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। ए, उसे क्यों मारोगे? देखा दिव्या डार्लिंग मेरे को सपोर्ट कर रही है, मुझे देख कर लव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लव की बात की तो घूंसा मारूंगी। ये तो पलट गयी। भाई लेडीज का भरोसा नहीं करना चाहिए, चलो मरते हैं। अबे तू रुक यार, मुझे दिव्या से बात करने दे। मान गई तो ठीक है, वरना सच में मर जाएंगे। कुछ भी बोल लो, मैं नहीं मानने वाली। तुम्हारी जिंदगी में आना ही मेरी गलती थी। करेक्ट, तुम आई क्यों थी मेरी जिंदगी में? तुमने आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आई हेट यू दिव्या। मैं बहुत खुश था 24 साल तक, दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया, खाओ पियो ऐश करो फिनिश। उसके अलावा कभी कुछ भी नहीं सोचा मैंने। कोई हो ना हो लाइफ मस्त थी, तुम्हारे साथ भी मुझे ऐसे ही रहना था, पर नहीं रह पाया। क्यों? That's why I hate you. अंजू और अभय मेरे बचपन के दोस्त हैं, कुछ भी हो सबसे पहले उन्हीं से शेयर करता था मैं, लेकिन अब सबसे पहले तुम्ही को बताता हूं। क्यों इतनी जरूरी हो गई हो? That's why I hate you. उस दिन तुम्हारे पापा तुम्हें घर से ले गए, उस दिन मैंने ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा, इसे क्या होगा, उसकी टेंशन हो रही थी, कहीं वो तुम्हें कुछ करना दे। पागल हो रहा था मैं, मुझे लगता था कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए मुझे पता है, पर जब तुम छोड़कर गई पता चला मैं कुछ नहीं जानता, और इसीलिए आई हेट यू। आई हेट यू टू, बट आई लव यू गाइस। यस नहीं वो ऊपर खड़े। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं तुम दोनों को मिलाऊं। मिला के मैं जा रहा हूं। वो अपनी लाइफ में खुश है, मुझे और कुछ चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी तेरे पास है। हाला फोन में हैप्पी एंडिंग सेल्फी लेता हूं, तेरे को भी लूंगा ना फोटो में। प्लीज केयरफुल। किस गई यार, इसको अपने फेसबुक पर डालना और सीता को टैग करके बोल देना मैं गया। अरे बचाओ बचाओ भाई, ऊपर जाके कोई तो बचाओ उसे। पकड़े रहना। कपिल शर्मा कौन? तेरा लाडला बेटा है ना? अपने कपड़े में वो जिप डाला है कि नहीं, यही देखना है ना तेरे को। अभी मेरे को फोन करोगे तो मैं क्या बता सकता है? प्लीज मेरे को टॉर्चर मत कर यार। फोन करके और कुछ बात नहीं करनी होती तुझे, सिर्फ तुम्हारे बेटे का सूसू कैसे साफ करना है, डायपर कैसे पहनना है, बस। तेरे इस टॉर्चर से मैं प्रोफेशनल किलर से ट्रक ड्राइवर बन गया। अरे अब क्या होगा? कहते हैं मरने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आंखों के सामने नजर आती है। भागो 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 भागो। कपिल, तूने तो मेरे रास्ते लगा दी, अब पुलिस मेरी चट्टी बनाएगी, ये पक्की बात है। अरे तेरे फोन के चक्कर में मुझसे एक आदमी का खून हो गया, अभी क्या करेगा मैं, मेरे को जेल जाना पड़ेगा। आपने जानबूझ के नहीं किया सर। अरे सर मैं जानबूझ के नहीं किया, मेरा स्टीयरिंग इधर उधर हो गया सर, मैं क्या करता। अरे अरे सर आपने किसी का खून नहीं किया है, इनफेक्ट आपने किसी की जान बचाई है। यू आर द रियल हीरो। रियल हीरो सर, अपन कांग्रेचुलेशन, आपने तो बच्चे की जान बचाई सर। वाकई में? वाकई में। आराम से हो गया था यार। शुक्रिया बच गए। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना शौर्या? कुछ तो बोल। शौर्या? शौर्या।